खान पर भारी पड़ा जॉन अब्राहम का एक्शन। सलमान खान का कैमियो फिल्म का बेस्ट पार्ट। आज शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान रिलीज हुई है। फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। एडवांस बुकिंग के मामले में भी पठान ने KGF 2 के 5 लाख टिकट बुकिंग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म का विरोध भी जारी है। दैनिक भास्कर की मूवी रिव्यू में पढ़िए पठान कैसी है, कहानी से लेकर स्टार्स की एक्टिंग तक क्या क्या खूबियां या खामियां है। फिल्म की कहानी है एक एक्स भारतीय एजेंट जिम की, जिसके परिवार को उसी के सामने इसलिए मार दिया गया क्योंकि भारत ने उन्हें छुड़ाने के लिए मुआवजा नहीं दिया। जिम को मरा हुआ समझकर भारत सरकार ने उसे वीर पुरस्कार दिया, लेकिन जिम बच गया। कुछ समय बाद जिम ने भारत से अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया और एक बायोलॉजिकल हथियार बनाया। जिम को रोकने के लिए भारत की तरफ से पठान और उसकी टीम तैयार की गई। मिशन के दौरान पठान की मुलाकात डॉक्टर रूबीना खान से होती है, जो पठान का मिशन और मुश्किल कर देती है। अब पठान कैसे ताकतवर जिम को रोकेगा या रोक पाएगा भी या नहीं, यही फिल्म की कहानी है। शाहरुख खान पठान के रोल में अच्छे लगे हैं। एक्टिंग में उनका कोई तोड़ नहीं है। एक्शन सीन्स में भी शाहरुख खान ने इम्प्रेस किया है। दीपिका पादुकोण की स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है, लेकिन उनके खाते में अच्छे डायलॉग्स नहीं आए हैं। वैसे तो उन्हें पाकिस्तानी डॉक्टर से IAS एजेंट बनने का किरदार दिया गया है, लेकिन जिस बोलने से वो नजर आई है उसमें पाकिस्तानी टच नहीं मिलता है। उनके पाकिस्तानी एक्सेंट पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। डिंपल कपाड़िया और आशुतोष राणा ने सीनियर ऑफिसर के रोल में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। यहाँ सबसे अच्छा रोल जॉन अब्राहम का है। इंटेंस लुक और दमदार डायलॉग के साथ बना जॉन का किरदार जब भी आया है शाहरुख खान पर भारी पड़ा है। इनका एक्शन शाहरुख खान को फेल करता है। फिल्म में जॉन की डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। डायरेक्शन की बात करें तो सिद्धार्थ आनंद का काम आउटस्टैंडिंग है। उन्होंने सभी सीन्स को बखूबी पेश किया है। स्क्रीन प्ले के लिहाज से फिल्म बेहतरीन बनी है, जिसमें नुक्स निकाल पाना मुश्किल है। पठान का बैकग्राउंड म्यूजिक काफी फ्रेश है। किसी भी म्यूजिक को ओवर यूज नहीं किया गया है, जो इसका प्लस पॉइंट है। पठान के एंथम को भी कहीं कहीं इस्तेमाल किया गया है। हर सीन का नया म्यूजिक उसे फ्रेश बनाता है। एक्शन सीन में हाई लेवल VFX आपको सीट से हिलने नहीं देगा। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सीन नकली है, जो इसका प्लस पॉइंट है। एक्शन सीन काफी स्मूथ है। फिल्म की कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन इसमें राइटर हर किरदार की पिछली स्टोरी नहीं दिखा सके है। दीपिका के बचपन को चंद सेकंड में समेट दिया गया है। इसके बाद आपको खुद ही उनकी कहानी समझनी होगी। पठान किरदार को थोड़ा डिटेल के साथ बनाया गया है, लेकिन उसमें भी राइटर गहराई तक नहीं गए हैं, क्योंकि शाहरुख खान की एंट्री ही पीटते हुए होती है, तो दर्शक को तालियां बजाने का मौका नहीं मिलता। जॉन के एंट्री सीन में की गई मेहनत साफ दिखती है। सलमान खान यहाँ चंद मिनट के कैमियो में नजर आए हैं, जो धीमी पड़ी फिल्म की रफ्तार को फिर तेज करते हैं। सलमान खान यहाँ टाइगर बनकर दोस्त पठान की मदद करते हैं और गुदगुदाते भी है। एक और बात जो यहाँ खलती है वो है कि कहानी मिशन से शुरू होकर मिशन पर खत्म कर दी गई है। रोमांस की एक कमी है जो आपको महसूस होगी। पूरी फिल्म में सिर्फ एक गाना है, वो है बेशरम रंग। इसके अलावा दूसरा गाना आपको फिल्म खत्म होने के बाद देखने को मिलेगा। विलन बने जॉन को कुछ ज्यादा ही ताकतवर बताया गया है, लेकिन आखिर में उसे यूं ही आसानी से गिरा दिया गया है। विलन का बार बार अपने प्लान और उसे रोकने का तरीका खुद बताना भी आपको अटपटा लग सकता है। बेशरम रंग गाने पर दीपिका पादुकोण द्वारा पहनी गई भगवा बिकनी पर खूब विवाद हुए थे। लोगों ने बॉयकॉट पठान ट्रेड करवाया और फिल्म रिलीज रोकने की मांग की। विवाद बढ़ने के बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कुछ बदलाव करने का सुझाव दिया था। इसके बाद मेकर्स ने फिल्म से भगवा बिकनी को तो नहीं हटाई, लेकिन भगवा बिकनी पहनी दीपिका और शाहरुख का एक बोल्ड सीन हटाया गया है। आप शाहरुख खान और दीपिका के डाई हार्ट फैन हैं, तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। शाहरुख दीपिका की पठान ने सबको चटाई धूल। दूसरे दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जानकर रह जाएंगे हैरान। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की फिल्म पठान को एक और जहां इंडिया में काफी तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है, तो फिल्म वर्ल्ड वाइड भी धमाका कर रही है। फिल्म ने पहले ही दिन 106 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। वही फिल्म का दो दिन का कलेक्शन 250 करोड़ के करीब पहुंच गया है। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने ट्वीट कर पठान को दो दिन की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की जानकारी दी है। रमेश के मुताबिक पठान ने दो दिनों में 235 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। बता दें कि ये काफी बड़ा आंकड़ा है, यानी फिल्म ने दूसरे दिन करीब 130 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। अगर पठान ऐसे ही कमाई करती रही तो उम्मीद की जा रही है कि फिल्म वीकेंड में ही 500 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी और जल्द ही इंडियन सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी बन सकती है।
एक और जहां पठान का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 235 करोड़ रुपए हो गया है, तो दूसरी ओर पठान ने दूसरे दिन पहले से भी अधिक की कमाई की है। पठान ने पहले दिन 57 करोड़ की बम्पर कमाई की थी। फिल्म के हिंदी वर्जन ने 55 करोड़ रुपए जबकि अन्य वर्जन ने 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वही दूसरे दिन सैकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के सभी वर्जन ने मिलाकर नेट कलेक्शन 70 करोड़ रुपए के आसपास किया है, यानी फिल्म का कुल कलेक्शन करीब 130 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि ये अर्ली ट्रेंड है और कमाई थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। शाहरुख खान ने पठान से साबित कर दिया है कि वो किंग खान क्यों कहलाते हैं। शाहरुख के सेक्शन अवतार को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। पठान के बाद शाहरुख खान फिल्म डंकी और जवान में भी नजर आएंगे। राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी में शाहरुख खान की जोड़ी तापसी पन्नू के साथ बनी। फिल्म 22 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इन दोनों फिल्मों के अलावा शाहरुख निर्देशक एटली के साथ भी फिल्म जवान में नजर आएंगे। शाहरुख खान की जवान 2 जून 2023 को हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा में रिलीज। कुर्सी की पेटी बांधो या ना बांधो, सीट से उठने नहीं देता पठान का टशन और एक्शन। शाहरुख खान 4 साल के लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बादशाह के फैंस के लिए ये सेलिब्रेशन का वक्त है। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों से ड्राई चल रहे बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस की नजर भी पठान पर टिकी है। क्या अपने फैंस और बॉक्स ऑफिस की उम्मीदों पर पठान खरा उतरता है? फिल्म में दिखाया गया है कि कश्मीर से धारा 370 के हटने के बाद पड़ोसी मुल्क में भूचाल आ जाता है। ऐसे में पाकिस्तान एक हाईटेक प्राइवेट आतंकवादी गिरोह आउटफिट एक्स का सहारा लेता है। इस गिरोह का लीडर जिम एक समय में इंडियन इंटेलिजेंस फोर्स का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसके साथ हुए हादसे ने उसे देश से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। जिम का मकसद एक वायरस के जरिए इंडिया में तबाही मचाना है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को जिम के इस इरादे की भनक लगती है और उसके अगेंस्ट वो अपने सबसे काबिल एजेंट पठान को खड़ा करते हैं। इस मिशन के दौरान पठान की मुलाकात रूबीना मोहसिन से होती है। रूबीना कौन है, वो क्या वायरस है जिसे देश तबाह हो सकता है, जिम की बैकड्रॉप स्टोरी क्या है, और सबसे अहम सवाल, क्या पठान अपने इस मकसद में कामयाब हो पाता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए थिएटर का रुख करना होगा। वार जैसी फिल्मों में अपने एक्शन थ्रिलर का जलवा बिखर चुके डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद पठान लेकर आए हैं। सिद्धार्थ की इस फिल्म में आपको जिस मसाला फिल्म की उम्मीद है वो भरपूर मात्रा में है। पावर पैक्ड एक्शन, एक्साइटेड लोकेशन, रोमांस, कॉमेडी, डायलॉगबाजी, देशभक्ति इमोशन से लबरेज फिल्म फैंस के लिए पूरी तरह पैसा वसूल साबित है। बात जब सुपरस्टार और मसाला फिल्म के कॉम्बिनेशन की हो तो कहानी का सीक्वेंस में लॉजिक ढूंढना सही नहीं होता है। कहानी के मामले में बेशक फिल्म का पक्ष कमजोर है, लेकिन जिस तरह के एक्शन और डायलॉग्स लिखे गए हैं वो इन कमी पर पूरी तरह पर्दा डालते हैं। फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन जिस हुक पॉइंट पर इंटरवल रखा गया है कि आप फौरन इसके दोबारा शुरू होने का इंतजार करने लगते हैं, कहानी के सेकेंड हाफ में आप पठान की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि कई बार सिटी बजाने, क्लैपिंग करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं। यकीन माने 2 घंटे 26 मिनट पर बनी इस फिल्म में आपको वो हर इमोशन मिलता है जो एक फैन देखना चाहता है। पूरी फिल्म देखने पर यह एहसास होता है कि मेकर्स ने आपको ठगा नहीं है, बल्कि उन लॉयल फैंस को एक तोहफा दिया है जिसकी उन्हें अदद दरकार थी। फिल्म एक्शन और VFX पर बेमिसाल काम किया गया है। कुछ एक्शन सीक्वेंस आपको डाइजेस्ट नहीं होंगे, लेकिन स्क्रीन पर वो इतने भव्य दिखते हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। फिल्म का मजबूत पक्ष उसका VFX, सिनेमाटोग्राफी, एक्शन सीक्वेंस और म्यूजिक है। दुबई, पेरिस, अफगानिस्तान हो या अफ्रीका, सचिव पाउलेसिस की सिनेमाटोग्राफी से हर फ्रेम पर शहर और लोकेशन की भव्यता खूबसूरत दिखी है। स्क्रीन पर पठान एक लार्जर देन लाइफ वाली फील देती है। फिल्म के गानों ने तो रिलीज से पहले ही बवाल मचाया था। बेशरम रंग और झूमे जो पठान गानों की फीलिंग सीन्स के दौरान सटीक बैठती है। सचित और अंकित बलहारा की म्यूजिक ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म के दौरान थ्रिल और एक्साइटमेंट को बढ़ाने में फ्यूल का काम करता है। पठान के एक्शन के परफेक्शन के लिए विदेशी और कई देशी एक्शन ट्रेनर का समायोजन दिखा है। उनका काम 100% से भी बेहतर है। फिल्म के न केवल लोकेशन भव्य है बल्कि इसके सभी कास्ट भी स्टाइलिश नजर आते हैं। शाहरुख, दीपिका ने तो अपने पहले लुक में ही महफिल लूट ली थी, लेकिन जिस तरह से सभी कास्ट को कॉस्ट्यूम और स्टाइलिंग और डेडलिंग काम किया गया है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। ममता आनंद, निहारिका जौली और शलीना नथानी का स्टाइलिंग कमाल का है। शाहरुख की लुक और बॉडी पर जो काम हुआ है उनके ट्रेनर प्रशांत सावंत की मेहनत भी साफ दिखती है। 4 साल बाद सुपरस्टार शाहरुख खान को स्क्रीन पर देखने को फैंस तरस गए थे। फैंस की उम्मीदों पर शाहरुख पूरी तरह खरे उतरते हैं। इमोशंस में माहिर शाहरुख को एक्शन करता देखना उनके फैंस के लिए सरप्राइज एलिमेंट है। एक परफेक्ट हीरो की परिभाषा को शाहरुख ने पूरा किया है।
इसमें उनका इतना हैंडसम दिखना सोने पर सुहागा वाली बात है। वही दीपिका पादुकोण सरप्राइज करती है, ग्लैमरस के साथ साथ पावर पैक एक्शन करती दिखी दीपिका को अब एक्शन फिल्मों को एक्सप्लोर करना चाहिए। जॉन अब्राहम हमेशा से स्टाइलिश एक्टर कहे जाते हैं, विलन के रूप में वो जचे है और पूरी फिल्म के दौरान अपने इसी एंग्स इमोशन को बरकरार रखा है। डिम्पल कपाड़िया और आशुतोष राणा ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, उनकी मौजूदगी फिल्म को बखूबी बैलेंस करती है। दमदार एक्शन के साथ पठान की धमाकेदार वापसी, छाया टाइगर सलमान खान का कैमियो। फिल्म जीरो की रिलीज के करीब 4 साल बाद शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म पठान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। एक था टाइगर और वार जैसी जासूस थ्रिलर फिल्म में बना चुके यशराज फिल्म्स ने अपनी इस जासूसी फिल्मों का यूनिवर्स बनाने की बात कही है। इसका शुभारंग पठान से हो चुका है। पठान में टाइगर यानी सलमान खान आते हैं। कहानी यू की 2019 में कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया जा चुका है, इससे पाकिस्तान बौखला गया है। सेना का जनरल भारत को घुटनों पर लाने के लिए जिम की सेवाएं लेता है। जिम का मकसद पैसा या पावर हासिल करना नहीं बल्कि निजी है। कभी वह भी जबाज भारतीय जासूस था पर अब बागी हो चुका है। उसके नापाक मंसूबों को अगर कोई रोक सकता है तो वह है भारतीय एजेंट पठान। जिम तक पहुंचने में पठान की मुलाकात ISI एजेंट डॉ रुबीना मायोसिन से होती है। चूंकि जासूसी थ्रिलर फिल्मों की कहानी का आधार कोई ना कोई मिशन होता है, यहाँ पर भी मकसद रक्त बीज को हासिल करना है। यह एक जैविक हथियार है, जिम इसे भारत में फैलाना चाहता है। उसके नापाक मंसूबों को पठान कैसे असफल करेगा, इसके लिए कई ट्विस्ट और टर्न के साथ कहानी गढ़ी गई है। बैंग मैंगवार जैसी एक्शन फिल्में बनाने वाले सिद्धार्थ आनंद ने निर्देशन के साथ पठान की कहानी भी लिखी है। यहाँ पर भी उन्होंने एक्शन पर पकड़ बनाई रखी है। हेलीकॉप्टर, बंदूक, तोप, हैंड टू हैंड फाइट, बर्फ पर बाइक के चेंजिंग के दृश्य के जरिए रोमांच एक्शन को गढ़ा गया है। फिल्म को मसालेदार बनाने के लिए उन्होंने एक्शन के साथ रोमांस, नाच गाना सब डाला है। फिल्म की कमजोर कड़ी कहानी है। शुरुआत भारतीय वैज्ञानिक का जिम सरेआम दूसरे देश में अपहरण कर लेता है, उसकी रिहाई की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। श्रीधर राघव के स्क्रीन प्ले में जब जैविक हमले का जिक्र आता है तो यह हमले कितने खतरनाक हो सकते हैं उसके बारे में बताया गया है, लेकिन वह बहुत प्रभावशाली तरीके से दर्शा नहीं पाए है। वहां तक पहुंचने में भी लेखक ने काफी समय लिया है। फिल्म में पूरा फोकस पठान पर रहा है, इस वजह से बाकी किरदारों को समुचित तरीके से पनपनाने का मौका नहीं मिला। बहरहाल यहाँ पर भी खलनायक और पठान के बीच अपना दम दमक दिखाने को लेकर आमने सामने सीन गढ़े गए हैं। हालांकि इन्हें बेहतर और रोचक बनाने की भरपूर संभावना थी। फिल्म का खास आकर्षण एक था टाइगर के, टाइगर यानी सलमान खान रहे, उन्हें कई पंचिंग लाइनें मिली है। फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स भी काफी है। फिल्म कई देशों में विचरण करती है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप कहाँ है। वैसे इन्हें इतने देशों में नहीं भी ले जाते तो कहानी को सहजता से कहा जा सकता था, पर हाँ, संचित पालोस को सिनेमाटोग्राफी बहुत खूबसूरत है। कई लोकेशन नैना भारी में है। अब्बास टायरवाला के संवाद कई कई चुटकुले है। शाहरुख खान ने पहली बार विरुद्ध एक्शन फिल्म में काम किया है। यहाँ पर बॉडी बनाने के साथ उन्होंने अपने बाल भी बढ़ाए हैं। उन्हें भरपूर एक्शन करने का मौका मिला है। एक्शन करते वो अच्छे लगते हैं। पठान के पास कहने को टीम है, लेकिन उसकी उपयोगिता कहानी में कई खास दिखती नहीं है। फिल्म में आधुनिक तकनीक के जरिए इंसान या वस्तु की प्रकृति दिखाने की कोशिश हुई है, पर उस तकनीक का उपयोग सिर्फ एक जगह हुआ है, जबकि उसका प्रयोग कहीं और भी किया जा सकता था। दीपिका पादुकोण फिल्म में काफी ग्लैमरस दिखी है। बेशरम रंग गाने में केसरिया रंग की पोशाक को लेकर विवाद के बाद सेंसर की कैंची चली है। शाहरुख के साथ इससे पहले फिल्म ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू ईयर में काम कर चुकी दीपिका को भी यहां पर काफी एक्शन करने का मौका मिला है। एक दृश्य में रुबीना कैमरे में आती है जिससे पता चले कि वो कहां है, पर पठान को उसने जहां फंसाया होता है उसके बाद उसे मरा हुआ समझा जा रहा था। ऐसे में पठान की वापसी को लेकर वह कैसे आश्वस्त थी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। रुबीना के दर्दनाक अतीत को अगर कहानी से ना भी जोड़ते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सहयोगी भूमिका में आए डिंपल कपाड़िया और आशुतोष राणा अपनी भूमिका साथ न्याय करते हैं। यह लार्जर देन लाइफ फिल्म है, तो इसमें दिमाग लगाने की कोशिश ना करें। फिल्म के आखिर में एक और जासूस को जोड़ने का संकेत है। बहरहाल टाइगर 3 में आने का वादा टाइगर ने पठान से ले लिया है, यानी शाहरुख खान और सलमान खान फिर साथ दिखेंगे। इस बार टाइगर की मदद के लिए पठान आएगा। शाहरुख को बचाने टाइगर की धुआंधार एंट्री। पठान में सलमान खान को देख क्रेजी हुए फैंस। शाहरुख खान, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण की पठान रिपब्लिक डे के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। चारों तरफ पठान की धूम और शोरगुल देखने को मिल रहा है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद फैंस की प्रतिक्रिया भी सोशल मीडिया पर आने लगी है।
पठान देखने गए दर्शकों का मजा दोगुना तब हुआ जब उन्होंने शाहरुख खान के साथ टाइगर को देखा। जी हाँ, पठान के साथ टाइगर यानी सलमान खान की झलक भी देखने को मिली, जिसे देख फैंस सुपर एक्साइटेड हो गए। शाहरुख खान की पठान देखने गए फैंस को जब सिनेमा हॉल में सलमान खान की टाइगर की झलक देखने को मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बता दें, सलमान खान की टाइगर 3 दिवाली के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इसे भी यशराज फिल्म्स की प्रेजेंट कर रहा है और पठान को भी। ये सभी फिल्में YRF की स्पाई यूनिवर्स सीरीज के तहत है। ये भी साफ कर देते हैं कि पठान में सलमान खान का कैमियो है, उनका टाइगर 3 की झलक इसमें देखने को मिलती है। पठान देखने के फैंस को सलमान खान की ओर से दो बड़े सरप्राइज मिले हैं। पहला तो उन्हें शाहरुख खान के साथ कुछ सीन्स में एक्शन करते देखा गया, तो दूसरा ये कि दर्शकों ने सिनेमा हॉल में किसी का भाई किसी की जान का टीजर भी देखा। सलमान खान की ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज हो रही है। और 6 घंटे के हिसाब से रिस्पॉन्स अलहमदिल्ला बहुत ही अच्छा है। गाना सबको पसंद आ रहा है और गाना विजुलाइज जो उसके विजुअल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। डायरेक्ट किया है राजवीर, इनसे हमारा पुराना रिश्ता है। मैंने भी आपको पहले बताया था कि हमारी शादी में जो फोटोग्राफी की थी वो इन्होंने की थी, सबा की शादी में जो फोटोग्राफी की थी वो इन्होंने की थी। वहाँ से हमारा एक रिश्ता बना था और रिश्ता ऐसा है कि जब इन्होंने बोला कि शायद शो मेरे पास एक गाना है, मैं चाहता हूँ कि आप शूट करो, और गाना भी बहुत अच्छा था अंकित तिवारी, उनको मतलब उनकी आवाज़ किसको नहीं पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद थी। तो जब गाना सुना, इन चीज़ें मटेरियलाइज हुई और गाना क्या खूब निकला है आप सबके सामने, जिस हिसाब से आपके रिव्यूज़ हैं, आप सबके कमेंट्स हैं और आप सबके फीडबैक जो आ रहे हैं गाने को लेके, वो बहुत ही अच्छा है। तो शुक्रिया आप सबका इतना पसंद करने के लिए, है कि नहीं, क्या बोलोगे? बहुत धन्यवाद। सॉन्ग को लेके मैं तो परफॉर्मेंस की बात करूँगा, शोएब भाई और सुरभि की जो परफॉर्मेंस हुई है बहुत बढ़िया, पूरी वीडियो में विजुअल्स में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से निकल के आ रही है और है ही बहुत उम्दा एक्टर है दोनों। तो उसी को मैंने तो वही था कि मेरे को बस इतने अच्छे एक्टर हैं तो मैं उनको जितना यूज़ कर सकता हूँ वीडियो में, तो मैंने वही कोशिश करी है कि उनकी परफॉर्मेंस को और अच्छे से अच्छा दिखाया। और आप लोग सब बहुत अच्छा रिव्यूज़ आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, तो बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है इस बात से। ये सॉन्ग आई थिंक मैं चंडीगढ़ में था जब हम लास्ट मिले थे। हाँ जी, हाँ जी, मैं अपने आहिस्ता वगैरह शूट करने गया हुआ था, लेकिन वहाँ पे राजवीर हमसे मिला था और हम सबक की शादी के सिलसिले में ही मिले थे बात करने के लिए, जब चीज़ें बहुत इनिशियल स्टेज पे थी। तो राजवीर ने बताया कि मैंने अपना लेबल खोला है, सारी चीज़ें हैं, तो वो चाहता था कि मैं और दीपिका एक सॉन्ग साथ में शूट करें। वो सॉन्ग अभी शूट नहीं हुआ है, वो मतलब बहुत ही मस्त सॉन्ग है, वो भी पंजाबी सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है। उसको हमने कहा था कि हम इसको दिसंबर या जैन में वहीं कहीं खेतों में समथिंग ऐसा कुछ शूट करेंगे, क्योंकि वो फील ही वैसा है, वो फील ही पंजाब का। बट उससे पहले राजवीर ने आई थिंक हमने 23rd को शूट किया था ये वाला, हाँ जी, 23rd, एंड उससे एक हफ्ते पहले जस्ट राजवीर ने मुझे ऐसी सॉन्ग फॉरवर्ड किया कि भाई एक ये सॉन्ग भी है, आप करेंगे क्या? तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि गाना मुझे बहुत अच्छा लगा अंकित तिवारी की आवाज़ एंड राजवीर साथ में, तो मैंने कहा हाँ कर दिया। चलो, दीपिका को बहुत ज़्यादा पसंद आया है, बहुत अच्छा लगा है, और वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है स्पेशली मेरे काम को, छोटी छोटी चीज़ें बारीकियाँ पकड़ती हैं, बट उसको ये गाना ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। उसने स्पेशली बोला था कि राजवीर से बोलना कि बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है। थैंक यू। हम इस तरीके से पहली बार साथ में काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, मतलब एक इमेज जो राजवीर की है, प्रोडक्शन की ये चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा अब एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है राजवीर से। इंशाल्लाह आगे काम करेंगे तो राजवीर बोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपना ही नाम ले रहा हूँ। व्हाट्स नेक्स्ट बताइए भाई, व्हाट्स नेक्स्ट इनके साथ? इनके साथ हमारा एक प्लान है, शोएब जी और दीपिका मैम दोनों के साथ हमारा एक प्लान है, लेकिन अभी थोड़ा सा करेंगे उसको, क्योंकि पंजाब में शूट करना है, अभी ठंड बहुत होती है वहाँ पे, तो थोड़ा ठंड कम हो जाए उसके बाद हम इनके साथ एक और गाना प्लान कर रहे हैं। सुरभि के साथ तो मेरा, हाँ सुरभि के साथ तो मतलब पुरानी यादें हैं, पुराने रिलेशन है, जब हमने कोई लौट के आया साथ में शूट किया था, तो एक पल के लिए जब हम साथ में मिले तो ऐसे ही लगा कि यार शिट, मतलब
पाँच साल हो गए उस चीज़ को, 2017 में किया था, लेकिन जब मिले साथ में तो ऐसा लगा नहीं कि पाँच साल हो गए हैं, ऐसा लगे हाँ अभी भी तो बात थी, वही वार्म, वही आपस में बात करने का तरीका, वही मस्ती मजाक वही था। एंड किस तरीके से शूट हो गया हमें खुद पता नहीं चला, सुबह 11 बजे से हमने शूट स्टार्ट किया, रात में कुछ 1:30 बज गए थे, बट वो कैसे टाइम बीता है। तो ये हैं हमारे म्यूजिक कंपोजर संजीव जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, एक बहुत बड़ी सच्चाई, आप कितना भी बेहतर गाना बना लो, अगर आपके गाने में फेस नहीं है तो आपके गाने की जीरो वैल्यू। एंड ही इज अ स्टार फेस नाउडेज, एंड मेरा इनके साथ थर्ड सॉन्ग है इस टाइम, एंड लोग इनको इतना पसंद करते हैं कि अगर शोएब भाई है गाने के अंदर तो गाने को और चार चांद मिलते हैं। तो आई एम थैंकफुल टू राजवीर भाई कि उन्होंने गाना दिया, एंड बहुत प्यारा वीडियो डायरेक्शन किया, इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है, तो मेरे लिए प्रिविलेज है कि मैं इन लोग के साथ काम करूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संजीव जी। बट जैसे कि इन्होंने बोला, मुझे ऐसा लगता है कि जब गाना अच्छा होता है, हर एक चीज़ पूरा एक पैकेज में होती है, फिर चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो लिरिक्स हो, फिर डायरेक्शन हो, परफॉर्मेंस। जब तक ऑडियो अच्छा नहीं होगा ना, तब तक आप परफॉर्मेंस कैसे निकालोगे आप? जब वो ऑडियो अच्छा होता है, लिरिक्स अच्छे होते हैं, साथ में कॉम्पोजिशन अच्छा होता है, देन फिर आप उस चीज़ को महसूस कर पाते हो, फिर चाहे वो रोमांस हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो अग्रेशन हो, कुछ भी हो। तो आई थिंक इस चीज़ की मैं दाद देना चाहूँगा संजीव जी की, बहुत ही अच्छा कंपोज किया है। एंड यस, अंकित तिवारी सर जिन्होंने बहुत ही बखूबी उस चीज़ को गाया है, आवाज़ में जो दर्द है, जो पेन है, वो बहुत निकल के आया है, तो शायद इसलिए हम सबकी परफॉर्मेंस में वो चीज़ निकल के आई है। जब मेरे पास पहला गाना आया ना, तो मुझे ये था कि हाँ यार, ये ऐसा सॉन्ग मैंने अभी तक नहीं किया है। मैंने इमोशनल सॉन्ग किए हैं, आई थिंक जिए तो जिए हमने वो इमोशनल किया था, टूटा तारा हमने इमोशनल किया था, बट ये कुछ एक डिफरेंट जोन में था। अगर मैं इसको सुनता हूँ तो मुझे वो बी प्राक वाला जोन, यू नो, वैसा वो याद आता है। तो जब गाना सुना सुकून से बैठ के, और एक नहीं कम से कम 3-4 बार सुना, तो पहली बार में मुझे थोड़ा सा ओके लगा, फिर दूसरी बार सुना, फिर तीसरी बार सुना, फिर चौथी बार सुना, आधे घंटे एक घंटे के बाद आई थिंक मैंने राजवीर को मैसेज किया, मैंने कहा भाई मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि होता है कभी कभी आप सॉन्ग को सुन के ही आप समझ जाते हो कि चीज़ किस तरीके की होने वाली है, निकलने वाली है। एंड फिर उसके बाद जब शूट किया तो मज़ा आ गया। सबसे पहले तो मैं दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगा कि सबका, जो हर एक चीज़ को इतना प्यार देते हैं, आप सब इतना अप्रिशिएट करते हैं, और इस यही आई थिंक यही एक रीज़न है कि जो भी गाना अब तक हमने किया है, मैंने किया है या मैंने दीपिका ने साथ में किया है, वो लोगों को बहुत पसंद आया है। एंड गाना सुनते वक्त ना मुझे, मैं सच बताऊँ, मैं ना ही कोई कभी ऐसा कोई देखता हूँ कि यार कोई बड़ा डायरेक्टर हो या कोई बड़ा लेबल हो, कुछ नहीं हो, गाना पहली बार सुनते ही ना कानों को अच्छा लग जाना चाहिए। और मैं हूँ 90s लवर, मैं बहुत, मुझे 90s का एरा मुझे बहुत पसंद है, 90s के सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो मेरे कहीं ना कहीं वो एक फील रहता है, फिर चाहे वो मुस्कुराना हो, चाहे वो आहिस्ता हो। तो अगर कानों को गाना अच्छा लग गया पहली सुनते ना, तो मतलब हाँ मैं उसको फाइनल कर देता हूँ कि नहीं आइए ठीक है। वरना आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सेम तरह की आती हैं, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, और शायद यही रीज़न है कि मैं बहुत सोच समझ के सॉन्ग स्पेशली मैं लेता हूँ, और थोड़ा वक्त वक्त के बाद में सामने लेके आता हूँ। देखो मुझे पता था आप ये सवाल करेंगे। क्या होता है ना, देखो आपको अगर चाहने वाले लोग मिलेंगे तो आपको वहाँ पे क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग भी मिलेंगे, आपको आपकी अच्छाई करने वाले लोग मिलेंगे तो आपको बुराई करने वाले लोग मिलेंगे। आपको ख़ुद पे यकीन होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत। अगर आपको ख़ुद पे यकीन है, आपके जो आपके अपने हैं, आपकी फैमिली है, उनको यकीन है कि नहीं आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, बाकी
नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में, इनफैक्ट मतलब मैं तो नहीं सोचता इस चीज़ को, क्योंकि हर इंसान की अपनी ओपिनियन होती है, कुछ लोग गाली देते हैं, कुछ लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। यस, कभी कभी गुस्सा आता है तो मैं भी बोल देता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या, हम भी इंसान हैं, हम एक पब्लिक फिगर हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर इमोशंस नहीं है, हमें चीज़ें बुरी नहीं लगती, हमें भी बुरी लगती है, लेकिन लोग आजकल इंसानों को जज बहुत जल्दी करने लगे हैं बिना कुछ जाने समझे पहचाने। तो ठीक है, उतना वो कॉल है, उनकी शायद वो इतनी समझ है, बट आई थिंक इस सारी चीज़ों को लेके ये एक पार्ट है। अगर जहाँ आपको अच्छाई तारीफ मिलेगी तो आपको बुराई भी मिलेगी, जितना आप सुन सकते हो सुनो, नहीं सुन सकते तो आप उल्टा सुना दो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। बट यस, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा अच्छाई वाले पार्ट को ज़्यादा देखना चाहिए, और यस मैं बहुत प्राउडली इस चीज़ को बोलता हूँ कि बुराई अच्छाई, अच्छाई का रेशियो हमेशा ज़्यादा होता है, वो मेरे साथ भी हमारे साथ भी ज़्यादा है, तो हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं। इंशाल्लाह जल्दी, अगर ऐसा कोई सॉन्ग लगा कि हाँ ये हम दोनों को साथ में करना चाहिए, वैसे भी आप सबको पता है कि अभी बहुत नहीं कर रही है वो काम, थोड़ा सा अपने जोन में है, वो बोलती नहीं मुझे अभी नहीं करना है, बट यस कभी कभी मैं उसको फोर्स कर लेता हूँ, मना लेता हूँ कि नहीं दीपिका यार ये तो सॉन्ग हमें साथ में करना चाहिए, तो अगर मुझे ऐसा कोई सॉन्ग लगा, एक राजवीर का सॉन्ग है जो हमने बताया है, वो अभी देखते हैं कब प्लान होता है उस हिसाब से, तो आई थिंक वो होगा, या फिर अगर कुछ और होता है तो वो होगा। यार बिग बॉस में बिल्कुल फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ सच बोलूँ, क्योंकि मैं रात में बहुत सही घर 11 बजे के आसपास हूँ। यस, दीपिका फॉलो करती है, घर वाले फॉलो करते हैं, मुझे अब्दू बहुत पसंद है बस। मैं भाई कुछ नहीं, अब्दू को मैंने 2-3, मैं इंस्टा पे जब स्क्रॉल करता हूँ तो मैं उस चीज़ को देखता रहता हूँ, एंड जब मैं घर पहुँचता हूँ तो मैं और ना दीपिका बिग बॉस की बात करती है, हम अपनी बातें करते हैं, क्योंकि वक्त मिलता नहीं ज़्यादा एक दूसरे के साथ। सुबह निकल जाता हूँ 7:30 में, और रात में 10:30-11 बजे मेरा आना होता है, तो हम जो भी 1-2 घंटे, फिर थक थक भी बहुत जाता हूँ, नींद भी आती है, तो अपनी बातें करते रहते हैं हम। प्लेस अच्छा है, मैं आई थिंक यहाँ पे पहली बार आया हूँ, उससे पहले मैं आया नहीं हूँ, तो मुझे अच्छा लगा एम्बियंस, फिलहाल तो इतना तो मुझे अच्छा लगा, तो यस गुड प्लेस। थैंक यू गाइज, गाना देखते रहिए सोल म्यूजिक स्टूडियो यूट्यूब पेज पे, गाना है कैसे बताएं, प्लीज़ देखिए, प्यार दीजिए, एंड आई लव यू ऑल, थैंक यू। हाँ रुको, वेट वेट वेट, इधर इधर, थैंक यू सर, बाय सोलो। वेट वेट जी, हेलो, बुरा आ गया तुम किसी भी आप मैम लुक गया सामने, अच्छा किधर बैठा था, आगे मत जा रहे मतलब, अरे विशाल ले ले तारू, ये दिन पीछे ना स्नेह मारो, ये स्नेह
अभी तो कैमरा नीचे किया है। थैंक यू। स्टैंडी चाहिए? नहीं नहीं, वी नीड दैट। क्या बोलते तानपुरा? अरे बस चलो डन। थैंक यू, थैंक यू सो मच। घर से ले जाओ जाए। मैंने नहीं देखा है वो, क्यों बता? थैंक यू मैम, थैंक यू। पीछे देखो। अरे थैंक यू। ये देखना कम आ गया हमारे। अरे ऐसा नहीं कर रहे हैं कभी। जी जी हेलो, पूरा आ गया तेरे बस बिल्कुल। कितनी जी यहाँ पे हम लोग क्या कितनी जी यहाँ पे नहीं होगा सामने। अच्छा अभी मत जा रहे सोए। अरे तू सबको मना, मेरे को मना कर रहा है। चल ले ले तारू, ये तो फिटनेस नहीं। मारू इस नेम। थैंक यू। अरे अभी तो कैमरा नीचे किया मैं। क्या किया? लास्ट में क्या होता है बता? मत बता, मत बता, मत बता। क्या होता है? पीछे देखो। अरे ये देखना कम आई भाग रहे हो, बस ऐसा नहीं कर रहे कभी। शाहरुख खान पर भारी पड़ा जॉन अब्राहम का एक्शन, सलमान खान का कैमियो फिल्म का बेस्ट पार्ट। आज शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान रिलीज हुई है। फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। एडवांस बुकिंग के मामले में भी पठान ने केजीएफ 2 के 5 लाख टिकट बुकिंग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वही दूसरी तरफ फिल्म का विरोध भी जारी है। दैनिक भास्कर की मूवी रिव्यू में पढ़िए पठान कैसी है, कहानी से लेकर स्टार्स की एक्टिंग तक क्या क्या खूबियां या खामियां है। फिल्म की कहानी है एक एक्स भारतीय एजेंट जिम की, जिसके परिवार को उसी के सामने इसलिए मार दिया गया क्योंकि भारत ने उन्हें छुड़ाने के लिए मुआवजा नहीं दिया। जिम को मरा हुआ समझकर भारत सरकार ने उसे वीर पुरस्कार दिया, लेकिन जिम बच गया। कुछ समय बाद जिम ने भारत से अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया और एक बायोलॉजिकल हथियार बनाया। जिम को रोकने के लिए भारत की तरफ से पठान और उसकी टीम तैयार की गई। मिशन के दौरान पठान की मुलाकात डॉक्टर रूबीना खान से होती है, जो पठान का मिशन और मुश्किल कर देती है। अब पठान कैसे ताकतवर जिम को रोकेगा या रोक पाएगा भी या नहीं, यही फिल्म की कहानी है। शाहरुख खान पठान के रोल में अच्छे लगे हैं, एक्टिंग में उनका कोई तोड़ नहीं है। एक्शन सीन्स में भी शाहरुख खान ने इम्प्रेस किया है। दीपिका पादुकोण की स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है, लेकिन उनके खाते में अच्छे डायलॉग्स नहीं आए हैं। वैसे तो उन्हें पाकिस्तानी डॉक्टर से आईएएस एजेंट बनने का किरदार दिया गया है, लेकिन जिस बोलने से वो नजर आई है उसमें पाकिस्तानी टच नहीं मिलता है। उनके पाकिस्तानी एक्सेंट पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। डिम्पल कपाड़िया और आशुतोष राणा ने सीनियर ऑफिसर के रोल में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। यहाँ सबसे अच्छा रोल जॉन अब्राहम का है। इंटेंस लुक और दमदार डायलॉग के साथ बना जॉन का किरदार जब भी आया है शाहरुख खान पर भारी पड़ा है। इनका एक्शन शाहरुख खान को फेल करता है। फिल्म में जॉन की डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। डायरेक्शन की बात करें तो सिद्धार्थ आनंद का काम आउटस्टैंडिंग है। उन्होंने सभी सीन्स को बखूबी पेश किया है। स्क्रीन प्ले के लिहाज से फिल्म बेहतरीन बनी है, जिसमें नुक्स निकाल पाना मुश्किल है।
पठान का बैकग्राउंड म्यूजिक काफी फ्रेश है, किसी भी म्यूजिक को ओवरयूज नहीं किया गया है, जो इसका प्लस पॉइंट है। पठान के एंथम को भी कहीं कहीं इस्तेमाल किया गया है, हर सीन का नया म्यूजिक उसे फ्रेश बनाता है। एक्शन सीन में हाई लेवल VFX आपको सीट से हिलने नहीं देगा, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सीन नकली है, जो इसका प्लस पॉइंट है। एक्शन सीन काफी स्मूथ है। फिल्म की कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन इसमें राइटर हर किरदार की पिछली स्टोरी नहीं दिखा सके है। दीपिका के बचपन को चंद सेकंड में समेट दिया गया है, इसके बाद आपको खुद ही उनकी कहानी समझनी होगी। पठान किरदार को थोड़ा डिटेल के साथ बनाया गया है, लेकिन उसमें भी राइटर गहराई तक नहीं गए हैं, क्योंकि शाहरुख खान की एंट्री ही पीटते हुए होती है, तो दर्शक को तालियां बजाने का मौका नहीं मिलता। जॉन के एंट्री सीन में की गई मेहनत साफ दिखती है। सलमान खान यहाँ चंद मिनट के कैमियो में नजर आए है, जो धीमी पड़ी फिल्म की रफ्तार को फिर तेज करते है। सलमान खान यहाँ टाइगर बनकर दोस्त पठान की मदद करते है और गुदगुदाते भी है। एक और बात जो यहाँ खलती है वो है कि कहानी मिशन से शुरू होकर मिशन पर खत्म कर दी गई है। रोमांस की एक कमी है जो आपको महसूस होगी। पूरी फिल्म में सिर्फ एक गाना है, वो है बेशरम रंग। इसके अलावा दूसरा गाना आपको फिल्म खत्म होने के बाद देखने को मिलेगा। विलन बने जॉन को कुछ ज्यादा ही ताकतवर बताया गया है, लेकिन आखिर में उसे यूं ही आसानी से गिरा दिया गया है। विलन का बार बार अपने प्लान और उसे रोकने का तरीका खुद बताना भी आपको अटपटा लग सकता है। बेशरम रंग गाने पर दीपिका पादुकोण द्वारा पहनी गई भगवा बिकनी पर खूब विवाद हुए थे। लोगों ने बॉयकॉट पठान ट्रेड करवाया और फिल्म रिलीज रोकने की मांग की। विवाद बढ़ने के बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कुछ बदलाव करने का सुझाव दिया था। इसके बाद मेकर्स ने फिल्म से भगवा बिकनी को तो नहीं हटाई, लेकिन भगवा बिकनी पहनी दीपिका और शाहरुख का एक बोल्ड सीन हटाया गया है। आप शाहरुख खान और दीपिका के डाई हार्ट फैन है तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। शाहरुख दीपिका की पठान ने सबको चटाई धूल, दूसरे दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जानकर रह जाएंगे हैरान। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की फिल्म पठान को एक और जहां इंडिया में काफी तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है, तो फिल्म वर्ल्ड वाइड भी धमाका कर रही है। फिल्म ने पहले ही दिन 106 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था, वही फिल्म का दो दिन का कलेक्शन 250 करोड़ के करीब पहुंच गया है। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने ट्वीट कर पठान को दो दिन की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की जानकारी दी है। रमेश के मुताबिक पठान ने दो दिनों में 235 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। बता दें कि ये काफी बड़ा आंकड़ा है, यानी फिल्म ने दूसरे दिन करीब 130 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। अगर पठान ऐसे ही कमाई करती रही तो उम्मीद की जा रही है कि फिल्म वीकेंड में ही 500 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी और जल्द ही इंडियन सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी बन सकती है। एक और जहां पठान का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 235 करोड़ रुपए हो गया है, तो दूसरी ओर पठान ने दूसरे दिन पहले से भी अधिक की कमाई की है। पठान ने पहले दिन 57 करोड़ की बम्पर कमाई की थी। फिल्म के हिंदी वर्जन ने 55 करोड़ रुपए जबकि अन्य वर्जन ने 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वही दूसरे दिन सेक्निल की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के सभी वर्जन ने मिलाकर नेट कलेक्शन 70 करोड़ रुपए के आसपास किया है, यानी फिल्म का कुल कलेक्शन करीब 130 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि ये अर्ली ट्रेंड है और कमाई थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। शाहरुख खान ने पठान से साबित कर दिया है कि वो किंग खान क्यों कहलाते हैं। शाहरुख के सेक्शन अवतार को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। पठान के बाद शाहरुख खान फिल्म डंकी और जवान में भी नजर आएंगे। राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी में शाहरुख खान की जोड़ी तापसी पन्नू के साथ बनी। फिल्म 22 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इन दोनों फिल्मों के अलावा शाहरुख निर्देशक एटली के साथ भी फिल्म जवान में नजर आएंगे। शाहरुख खान की जवान 2 जून 2023 को हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा में रिलीज। कुर्सी की पेटी बांधो या ना बांधो, सीट से उठने नहीं देता पठान का टशन और एक्शन। शाहरुख खान 4 साल के लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बादशाह के फैंस के लिए ये सेलिब्रेशन का वक्त है। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों से ड्राई चल रहे बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस की नजर भी पठान पर टिकी है। क्या अपने फैंस और बॉक्स ऑफिस की उम्मीदों पर पठान खरा उतरता है? फिल्म में दिखाया गया है कि कश्मीर से धारा 370 के हटने के बाद पड़ोसी मुल्क में भूचाल आ जाता है। ऐसे में पाकिस्तान एक हाईटेक प्राइवेट आतंकवादी गिरोह आउटफिट एक्स का सहारा लेता है। इस गिरोह का लीडर जिम एक समय में इंडियन इंटेलिजेंस फोर्स का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसके साथ हुए हादसे ने उसे देश से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। जिम का मकसद एक वायरस के जरिए इंडिया में तबाही मचाना है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को जिम के इस इरादे की भनक लगती है और उसके अगेंस्ट वो अपने सबसे काबिल एजेंट पठान को खड़ा करते है। इस मिशन के दौरान पठान की मुलाकात रूबीना मोहसिन से होती है। रूबीना कौन है, वो क्या वायरस है जिसे देश तबाह हो सकता है? जिम की बैकड्रॉप स्टोरी क्या है? और सबसे अहम सवाल, क्या पठान अपने इस मकसद में कामयाब हो पाता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए थिएटर का रुख करना होगा।
वार जैसी फिल्मों में अपने एक्शन थ्रिलर का जलवा बिखर चुके डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद पठान लेकर आए हैं। सिद्धार्थ की इस फिल्म में आपको जिस मसाला फिल्म की उम्मीद है वो भरपूर मात्रा में है। पावर पैक्ड एक्शन, एक्साइटिंग लोकेशन, रोमांस, कॉमेडी, डायलॉगबाजी, देशभक्ति इमोशन से लबरेज फिल्म फैंस के लिए पूरी तरह पैसा वसूल साबित है। बात जब सुपरस्टार और मसाला फिल्म के कॉम्बिनेशन की हो तो कहानी का सीक्वेंस में लॉजिक ढूंढना सही नहीं होता है। कहानी के मामले में बेशक फिल्म का पक्ष कमजोर है, लेकिन जिस तरह के एक्शन और डायलॉग्स लिखे गए हैं वो इन कमी पर पूरी तरह पर्दा डालते हैं। फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन जिस हुक पॉइंट पर इंटरवल रखा गया है कि आप फौरन इसके दोबारा शुरू होने का इंतजार करने लगते हैं, कहानी के सेकेंड हाफ में आप पठान की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि कई बार सीटी बजाने, क्लैपिंग करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं। यकीन माने 2 घंटे 26 मिनट पर बनी इस फिल्म में आपको वो हर इमोशन मिलता है जो एक फैन देखना चाहता है। पूरी फिल्म देखने पर यह एहसास होता है कि मेकर्स ने आपको ठगा नहीं है, बल्कि उन लॉयल फैंस को एक तोहफा दिया है जिसकी उन्हें अदद दरकार थी। फिल्म एक्शन और VFX पर बेमिसाल काम किया गया है। कुछ एक्शन सीक्वेंस आपको डाइजेस्ट नहीं होंगे, लेकिन स्क्रीन पर वो इतने भव्य दिखते हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। फिल्म का मजबूत पक्ष उसका VFX, सिनेमाटोग्राफी, एक्शन सीक्वेंस और म्यूजिक है। दुबई, पेरिस, अफगानिस्तान हो या अफ्रीका, सचिव पाउलेसिस की सिनेमाटोग्राफी से हर फ्रेम पर शहर और लोकेशन की भव्यता खूबसूरत दिखी है। स्क्रीन पर पठान एक लार्जर देन लाइफ वाली फील देती है। फिल्म के गानों ने तो रिलीज से पहले ही बवाल मचाया था। बेशरम रंग और झूमे जो पठान गानों की फीलिंग सीन्स के दौरान सटीक बैठती है। सचित और अंकित बलहारा की म्यूजिक ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म के दौरान थ्रिल और एक्साइटमेंट को बढ़ाने में फ्यूल का काम करता है। पठान के एक्शन के परफेक्शन के लिए विदेशी और कई देशी एक्शन ट्रेनर का समायोजन दिखा है। उनका काम 100% से भी बेहतर है। फिल्म के न केवल लोकेशन भव्य है बल्कि इसके सभी कास्ट भी स्टाइलिश नजर आते हैं। शाहरुख, दीपिका ने तो अपने पहले लुक में ही महफिल लूट ली थी, लेकिन जिस तरह से सभी कास्ट को कॉस्ट्यूम और स्टाइलिंग और डेडलिंग काम किया गया है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। ममता आनंद, निहारिका जौली और शलीना नथानी का स्टाइलिंग कमाल का है। शाहरुख की लुक और बॉडी पर जो काम हुआ है उनके ट्रेनर प्रशांत सावंत की मेहनत भी साफ दिखती है। 4 साल बाद सुपरस्टार शाहरुख खान को स्क्रीन पर देखने को फैंस तरस गए थे। फैंस की उम्मीदों पर शाहरुख पूरी तरह खरे उतरते हैं। इमोशंस में माहिर शाहरुख को एक्शन करता देखना उनके फैंस के लिए सरप्राइज एलिमेंट है। एक परफेक्ट हीरो की परिभाषा को शाहरुख ने पूरा किया है। इसमें उनका इतना हैंडसम दिखना सोने पर सुहागा वाली बात है। वही दीपिका पादुकोण सरप्राइज करती है। ग्लैमरस के साथ साथ पावर पैक एक्शन करती दिखी दीपिका को अब एक्शन फिल्मों को एक्सप्लोर करना चाहिए। जॉन अब्राहम हमेशा से स्टाइलिश एक्टर कहे जाते हैं। विलन के रूप में वो जचे है और पूरी फिल्म के दौरान अपने इसी एंग्स इमोशन को बरकरार रखा है। डिम्पल कपाड़िया और आशुतोष राणा ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। उनकी मौजूदगी फिल्म को बखूबी बैलेंस करती है। दमदार एक्शन के साथ पठान की धमाकेदार वापसी, छाया टाइगर सलमान खान का कैमियो। फिल्म जीरो की रिलीज के करीब 4 साल बाद शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म पठान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। एक था टाइगर और वार जैसी जासूस थ्रिलर फिल्म में बना चुके यशराज फिल्म्स ने अपनी इस जासूसी फिल्मों का यूनिवर्स बनाने की बात कही है। इसका शुभारंग पठान से हो चुका है। पठान में टाइगर यानी सलमान खान आते हैं। कहानी यू की 2019 में कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया जा चुका है, इससे पाकिस्तान बौखला गया है। सेना का जनरल भारत को घुटनों पर लाने के लिए जिम की सेवाएं लेता है। जिम का मकसद पैसा या पावर हासिल करना नहीं बल्कि निजी है। कभी वह भी जाबाज भारतीय जासूस था पर अब बागी हो चुका है। उसके नापाक मंसूबों को अगर कोई रोक सकता है तो वह है भारतीय एजेंट पठान। जिम तक पहुँचने में पठान की मुलाकात ISI एजेंट डॉ रुबीना मायोसिन से होती है। चूंकि जासूसी थ्रिलर फिल्मों की कहानी का आधार कोई ना कोई मिशन होता है, यहाँ पर भी मकसद रक्त बीज को हासिल करना है। यह एक जैविक हथियार है, जिम इसे भारत में फैलाना चाहता है। उसके नापाक मंसूबों को पठान कैसे असफल करेगा इसके लिए कई ट्विस्ट और टर्न के साथ कहानी गढ़ी गई है। बैग मैंगवार जैसी एक्शन फिल्में बनाने वाले सिद्धार्थ आनंद ने निर्देशन के साथ पठान की कहानी भी लिखी है। यहाँ पर भी उन्होंने एक्शन पर पकड़ बनाई रखी है। हेलीकॉप्टर, बंदूक, तोप, हैंड टू हैंड फाइट, बर पर बाइक के चेंजिंग के दृश्य के जरिए रोमांच एक्शन को गढ़ा गया है। फिल्म को मसालेदार बनाने के लिए उन्होंने एक्शन के साथ रोमांस, नाच गाना सब डाला है। फिल्म की कमजोर कड़ी कहानी है। शुरुआत भारतीय वैज्ञानिक का जिम सरेआम दूसरे देश में अपहरण कर लेता है। उसकी रिहाई की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है।
श्रीधर राघव के स्क्रीन प्ले में जब जैविक हमले का जिक्र आता है तो यह हमले कितने खतरनाक हो सकते हैं उसके बारे में बताया गया है, लेकिन वह बहुत प्रभावशाली तरीके से दर्शा नहीं पाए है। वहां तक पहुंचने में भी लेखक ने काफी समय लिया है। फिल्म में पूरा फोकस पठन पर रहा है, इस वजह से बाकी किरदारों को समुचित तरीके से पनपनाने का मौका नहीं मिला। बहरहाल यहाँ पर भी खलनायक और पठन के बीच अपना दम दमक दिखाने को लेकर आमने सामने सीन गढ़े गए हैं। हालांकि इन्हें बेहतर और रोचक बनाने की भरपूर संभावना थी। फिल्म का खास आकर्षण एक था टाइगर के, टाइगर यानी सलमान खान रहे। उन्हें कई पंचिंग लाइनें मिली है। फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स भी काफी है। फिल्म कई देशों में विचरण करती है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप कहाँ है। वैसे ही इतने देशों में नहीं भी ले जाते तो कहानी को सहजता से कहा जा सकता था। पर हाँ, संचित पालोस को सिनेमाटोग्राफी बहुत खूबसूरत है। कई लोकेशन नैना भारी में है। अब्बास टायरवाला की संवाद कई कई चुटकुले है। शाहरुख खान ने पहली बार विरुद्ध एक्शन फिल्म में काम किया है। यहाँ पर बॉडी बनाने के साथ उन्होंने अपने बाल भी बढ़ाए है। उन्हें भरपूर एक्शन करने का मौका मिला है। एक्शन करते वो अच्छे लगते हैं। पठान के पास कहने को टीम है, लेकिन उसकी उपयोगिता कहानी में कई खास दिखती नहीं है। फिल्म में आधुनिक तकनीक के जरिए इंसान या वस्तु की प्रकृति दिखाने की कोशिश हुई है, पर उस तकनीक का उपयोग सिर्फ एक जगह हुआ है, जबकि उसका प्रयोग कहीं और भी किया जा सकता था। दीपिका पादुकोण फिल्म में काफी ग्लैमरस दिखी है। बेशरम रंग गाने में केसरिया रंग की पोशाक को लेकर विवाद के बाद सेंसर की कैंची चली है। शाहरुख के साथ इससे पहले फिल्म ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू ईयर में काम कर चुकी दीपिका को भी यहां पर काफी एक्शन करने का मौका मिला है। एक दृश्य में रूबीना कैमरे में आती है, जिससे पता चले कि वो कहां है। पर पठान को उसने जहां फंसाया होता है उसके बाद उसे मरा हुआ समझा जा रहा था। ऐसे में पठान की वापसी को लेकर वह कैसे आश्वस्त थी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। रूबीना के दर्दनाक अतीत को अगर कहानी से ना भी जोड़ते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सहयोगी भूमिका में आए डिंपल कपाड़िया और आशुतोष राणा अपनी भूमिका साथ न्याय करते हैं। यह लार्जर देन लाइफ फिल्म है, तो इसमें दिमाग लगाने की कोशिश ना करें। फिल्म के आखिर में एक और जासूस को जोड़ने का संकेत है। बहरहाल टाइगर 3 में आने का वादा टाइगर ने पठान से ले लिया है, यानी शाहरुख खान और सलमान खान फिर साथ दिखेंगे। इस बार टाइगर की मदद के लिए पठान आएगा। शाहरुख को बचाने टाइगर की धुआंधार एंट्री। पठान में सलमान खान को देख क्रेजी हुए फैंस। शाहरुख खान, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण की पठान रिपब्लिक डे के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। चारों तरफ पठान की धूम और शोरगुल देखने को मिल रहा है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद फैंस की प्रतिक्रिया भी सोशल मीडिया पर आने लगी है। पठान देखने गए दर्शकों का मजा दो गुना तब हुआ जब उन्होंने शाहरुख खान के साथ टाइगर को देखा। जी हाँ, पठान के साथ टाइगर यानी सलमान खान की झलक भी देखने को मिली, जिसे देख फैंस सुपर एक्साइटेड हो गए। शाहरुख खान की पठान देखने गए फैंस को जब सिनेमा हॉल में सलमान खान की टाइगर की झलक देखने को मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बता दें, सलमान खान की टाइगर 3 दिवाली के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इसी भी यशराज फिल्म्स की प्रेजेंट कर रहा है और पठान को भी। ये सभी फिल्में YRF की स्पाई यूनिवर्स सीरीज के तहत है। ये भी साफ कर देते है कि पठान में सलमान खान का कैमियो है। उनका टाइगर 3 की झलक इसमें देखने को मिलती है। पठान देखने के फैंस को सलमान खान की ओर से दो बड़े सरप्राइज मिले हैं। पहला तो उन्हें शाहरुख खान के साथ कुछ सीन्स में एक्शन करते देखा गया, तो दूसरा ये कि दर्शकों ने सिनेमा हॉल में किसी का भाई किसी की जान का टीजर भी देखा। सलमान खान की ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज हो रही है। सर, आपने पठान मूवी देखी, आपको कैसी लगी? बहुत फुल पैसा उसमें, वंडरफुल एंटरटेनमेंट। व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट इन द होल मूवी? बेस्ट पार्ट इन द होल मूवी इज द वेरी 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 लास्ट सीन, व्हिच इज शूट बिटवीन सलमान खान। अगर म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक कितना अट्रैक्ट करता है ऑडियंस? एक गाना ही है मेजर जो कि व्हिच हैज ऑलरेडी बीन अ हिट डिस्पाइट द कंट्रोवर्सी सम पीपल some stupid people try to make out of it. It's very entertaining. Music ki pehle aaya tha isliye sabhi ke bahut sare alag alag vichar aa rahe the. Isme koi khaas baat nahi hai, kisi film mein music pehle hamesha Hindustan mein gaane pehle aate hain. Lekin it's a full paisa usme lete hain. That's what I would say. Logo ka kehna ye bhi hai ki movie ko boycott kiya jaye. Aapka kehna kya hai is pe? Agar mujhe pehle ek dimag mein aisa kuch dur se bhi vichar aata to main aaj kyun ye show dekhne aata. और ये बायकॉट करने वाले हैं उनको बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए, उनको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो मुझे बायकॉट कराने वाले या किसी थिएटर पे पत्थर फेंकने वाले या आसाम में किसी किसी फिल्म हॉल में जाके उसके पोस्टर नोचने वाले,
बिल्कुल गलत है, वो गैर कानूनी हरकत है, इट्स अ क्रिमिनल एक्टिविटी एंड द स्टेट गवर्नमेंट शुड पनिश दैट। आफ्टर अ लॉन्ग जब एक फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है, देन नोबडी हैज द राइट टू स्टॉप फ्रॉम अदर पीपल, अदर इंडियंस टू वॉच इट। वेल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शाहरुख खान, हाउ वाज इट लाइक, वाज इट पार्टी है राज सर, राज सर, वेट 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 सर, वेट सर, वेट, अरे वेट यार, पत्र लेखा जी, अरे अरे मेरी जान, रुक, हम साथ में चलो ना। Great, of course, we just watched Pathaan. It's absolutely brilliant. That's so much fun to watch. मैम कैसी थी मूवी मैम? हाउ वाज द एक्शन? अमेजिंग, ऑल माय वॉचेस। एंड द म्यूजिक? टू गुड। थैंक यू। नहीं लग रही। बता भाई मेरी भी कितना है? Great, great. Thank you, sir. It's a night t-shirt. Thank you, sir. Bye, 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 bye. नहीं अंदर नहीं, अंदर तक नहीं आएंगे, हट जाएंगे, किसी को भी मत अंदर ला, हट जाएंगे हम लोग। ए बाजू वाले, बाजू, अरे अरे अंकल, अरे क्या कर रहे हो अंकल? नहीं है अपना ही प्रेम में आ रहे, पीछे आओ, अब बात में आ जाना मयूर भाई, थोड़ा सा आप हट जाना। ऋतिक सर रुकिए ना सर, ऋतिक सर फोटो लेगा, ऋतिक सर आइए ना भाई, ऋतिक सर दे दो यार, थैंक यू सर, चलो 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 बाहर, ओ भाई चलो चलो। आ गया ड्रेस यूज कर, हाउ वाज द मूवी सर? ओह वेरी नाइस, एक्सीलेंट। शाहरुख सर ने 3 साल के बाद आए और आग लगा दी। यस यस यस, शाहरुख ने जबरदस्त काम किया है, जॉन ने भी जबरदस्त काम किया है, डायरेक्शन इज सुपर। और दीपिका जी, दीपिका लुकिंग वेरी गुड, सॉन्ग्स वेरी गुड, बहुत पावरफुल कैरेक्टर है ना, एकदम पावरफुल। आई रिकमेंड एवरीबॉडी टू गो एंड वॉच। यस सर, थैंक यू। ये तू वीडियो ले रहा है? अरे भाई भाई हट जा, हट जा, पश्मीना जी हमारे भी आपके।
ऋतिक सर साथ में, साथ में, साथ में, सर साथ में, साथ में फोटो करते सर, सर 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 ऋतिक सर एक फोटो, ऋतिक सर लव यू, ऋतिक सर, सर ऋतिक सर लव यू, सर कैसी लगी मूवी, ऋतिक सर कैसी लगी मूवी, ऋतिक सर मूवी कैसी लगी, समाजी जा बैठ जा, मैं देखता हूं, ऋतिक सर साइड दे, गाड़ी के सामने से साइड दो, गाड़ी जाने दो बस, कैसी लगी मूवी, कैसी लगी मूवी, क्या कुछ कहना चाहिए, सलमान और शाहरुख, शाहरुख का सीन कैसा लगा मैम आपको, आई मीन उसके बारे में कौन बुरा बोलेगा, बहुत अच्छा था, एंटरटेनिंग था, और एक्चुअली मेरे लिए सरप्राइज था बिकॉज़ मुझे पता नहीं था, मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि वो लोग क्या, थर्ड पार्ट कब आ रहा है आपका, वाओ थैंक्स, आई लव इट कि तुमने मेरी फिल्म एकदम पठान के साथ डाल दिया, बट आई थिंक लव सॉन्ग से पूछ लेते हैं, चार साल बाद शाहरुख भाई को बड़े पर्दे पे देखा गया, क्या कहना चाहिए, हाँ चार साल बाद आए, बहुत अच्छे लग रहा है, लुक बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया फिल्म है, और आई थिंक इंडस्ट्री नीड्स, दीपिका जी के बारे में क्या, बहुत अच्छे लग रहे हैं, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, और आई थिंक एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ देख रहे हैं, सो और भी मजा आ रहा है, इंडस्ट्री नीड्स, थैंक यू मैम, ब्रो मिडनाइट सत्संग, भूमिका जी मैम कैसी लगी मूवी, राधे भैया के सीन क्या 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 पर सॉरी बोलो, राधे भैया का सीन कैसा लगा, गुलशन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मैम, वरुण भाई, वरुण भाई रुको ना भाई, दिनेश सर शाहरुख खान पर भारी पड़ा जॉन अब्राहम का एक्शन, सलमान खान का कैमियो फिल्म का बेस्ट पार्ट, आज शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान रिलीज हुई है, फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है, एडवांस बुकिंग के मामले में भी पठान ने केजीएफ 2 के 5 लाख टिकट बुकिंग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, वही दूसरी तरफ फिल्म का विरोध भी जारी है, दैनिक भास्कर की मूवी रिव्यू में पढ़िए पठान कैसी है, कहानी से लेकर स्टार्स की एक्टिंग तक क्या क्या खूबियां या खामियां है, फिल्म की कहानी है एक एक्स भारतीय एजेंट जिम की, जिसके परिवार को उसी के सामने इसलिए मार दिया गया क्योंकि भारत ने उन्हें छुड़ाने के लिए मुआवजा नहीं दिया, जिम को मरा हुआ समझकर भारत सरकार ने उसे वीर पुरस्कार दिया, लेकिन जिम बच गया, कुछ समय बाद जिम ने भारत से अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया और एक बायोलॉजिकल हथियार बनाया, जिम को रोकने के लिए भारत की तरफ से पठान और उसकी टीम तैयार की गई, मिशन के दौरान पठान की मुलाकात डॉक्टर रुबीना खान से होती है जो पठान का मिशन और मुश्किल कर देती है, अब पठान कैसे ताकतवर जिम को रोकेगा या रोक पाएगा भी या नहीं, यही फिल्म की कहानी है, शाहरुख खान पठान के रोल में अच्छे लगे हैं, एक्टिंग में उनका कोई तोड़ नहीं है, एक्शन सीन्स में भी शाहरुख खान ने इम्प्रेस किया है, दीपिका पादुकोण की स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है लेकिन उनके खाते में अच्छे डायलॉग्स नहीं आए है, वैसे तो उन्हें पाकिस्तानी डॉक्टर से आईएएस एजेंट बनने का किरदार दिया गया है लेकिन जिस बोलने से वो नजर आई है उसमें पाकिस्तानी टच नहीं मिलता है, उनके पाकिस्तानी एक्सेंट पर भी ध्यान नहीं दिया गया है, डिंपल कपाड़िया और आशुतोष राणा ने सीनियर ऑफिसर के रोल में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, यहाँ सबसे अच्छा रोल जॉन अब्राहम का है, इंटेंस लुक और दमदार डायलॉग के साथ बना जॉन का किरदार जब भी आया है शाहरुख खान पर भारी पड़ा है, इनका एक्शन शाहरुख खान को फेल करता है, फिल्म में जॉन की डायलॉग डिलीवरी कमाल की है, डायरेक्शन की बात करें तो सिद्धार्थ आनंद का काम आउटस्टैंडिंग है, उन्होंने सभी सीन्स को बखूबी पेश किया है, स्क्रीन प्ले के लिहाज से फिल्म बेहतरीन बनी है जिसमें नुक्स निकाल पाना मुश्किल है, पठान का बैकग्राउंड म्यूजिक काफी फ्रेश है, किसी भी म्यूजिक को ओवर यूज नहीं किया गया है जो इसका प्लस पॉइंट है, पठान के एंथम को भी कहीं कहीं इस्तेमाल किया गया है, हर सीन का नया म्यूजिक उसे फ्रेश बनाता है, एक्शन सीन में हाई लेवल VFX आपको सीट से हिलने नहीं देगा, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सीन नकली है जो इसका प्लस पॉइंट है, एक्शन सीन काफी स्मूथ है, फिल्म की कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है लेकिन इसमें राइटर हर किरदार की पिछली स्टोरी नहीं दिखा सके है, दीपिका के बचपन को चंद सेकंड में समेट दिया गया है, इसके बाद आपको खुद ही उनकी कहानी समझनी होगी,
पठान किरदार को थोड़ा डिटेल के साथ बनाया गया है, लेकिन उसमें भी राइटर गहराई तक नहीं गए हैं, क्योंकि शाहरुख खान की एंट्री ही पीटते हुए होती है तो दर्शक को तालियां बजाने का मौका नहीं मिलता। जॉन के एंट्री सीन में की गई मेहनत साफ दिखती है। सलमान खान यहाँ चंद मिनट की कैमियो में नजर आए हैं, जो धीमी पड़ी फिल्म की रफ्तार को फिर तेज करते हैं। सलमान खान यहाँ टाइगर बनकर दोस्त पठान की मदद करते हैं और गुदगुदाते भी है। एक और बात जो यहाँ खलती है वो है कि कहानी मिशन से शुरू होकर मिशन पर खत्म कर दी गई है। रोमांस की एक कमी है जो आपको महसूस होगी। पूरी फिल्म में सिर्फ एक गाना है, वो है बेशरम रंग। इसके अलावा दूसरा गाना आपको फिल्म खत्म होने के बाद देखने को मिलेगा। विलन बने जॉन को कुछ ज्यादा ही ताकतवर बताया गया है, लेकिन आखिर में उसे यूं ही आसानी से गिरा दिया गया है। विलन का बार बार अपने प्लान और उसे रोकने का तरीका खुद बताना भी आपको अटपटा लग सकता है। बेशरम रंग गाने पर दीपिका पादुकोण द्वारा पहनी गई भगवा बिकनी पर खूब विवाद हुए थे। लोगों ने बॉयकॉट पठान ट्रेड करवाया और फिल्म रिलीज रोकने की मांग की। विवाद बढ़ने के बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कुछ बदलाव करने का सुझाव दिया था। इसके बाद मेकर्स ने फिल्म से भगवा बिकनी को तो नहीं हटाई, लेकिन भगवा बिकनी पहनी दीपिका और शाहरुख का एक बोल्ड सीन हटाया गया है। आप शाहरुख खान और दीपिका के डाई हार्ट फैन हैं, तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। शाहरुख दीपिका की पठान ने सबको चटाई धूल, दूसरे दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जानकर रह जाएंगे हैरान। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की फिल्म पठान को एक और जहां इंडिया में काफी तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है, तो फिल्म वर्ल्ड वाइड भी धमाका कर रही है। फिल्म ने पहले ही दिन 106 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। वही फिल्म का दो दिन का कलेक्शन 250 करोड़ के करीब पहुंच गया है। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने ट्वीट कर पठान को दो दिन की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की जानकारी दी है। रमेश के मुताबिक पठान ने दो दिनों में 235 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। बता दें कि ये काफी बड़ा आंकड़ा है, यानी फिल्म ने दूसरे दिन करीब 130 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। अगर पठान ऐसे ही कमाई करती रही तो उम्मीद की जा रही है कि फिल्म वीकेंड में ही 500 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी और जल्द ही इंडियन सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी बन सकती है। एक और जहां पठान का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 235 करोड़ रुपए हो गया है, तो दूसरी ओर पठान ने दूसरे दिन पहले से भी अधिक की कमाई की है। पठान ने पहले दिन 57 करोड़ की बम्पर कमाई की थी। फिल्म के हिंदी वर्जन ने 55 करोड़ रुपए जबकि अन्य वर्जन ने 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वही दूसरे दिन सैकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के सभी वर्जन ने मिलाकर नेट कलेक्शन 70 करोड़ रुपए के आसपास किया है, यानी फिल्म का कुल कलेक्शन करीब 130 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि ये अर्ली ट्रेंड है और कमाई थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। शाहरुख खान ने पठान से साबित कर दिया है कि वो किंग खान क्यों कहलाते हैं। शाहरुख के सेक्शन अवतार को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। पठान के बाद शाहरुख खान फिल्म डंकी और जवान में भी नजर आएंगे। राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी में शाहरुख खान की जोड़ी तापसी पन्नू के साथ बनी। फिल्म 22 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इन दोनों फिल्मों के अलावा शाहरुख निर्देशक एटली के साथ भी फिल्म जवान में नजर आएंगे। शाहरुख खान की जवान 2 जून 2023 को हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा में रिलीज। कुर्सी की पेटी बांधो या ना बांधो, सीट से उठने नहीं देता पठान का टशन और एक्शन। शाहरुख खान 4 साल के लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बादशाह के फैंस के लिए ये सेलिब्रेशन का वक्त है। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों से ड्राई चल रहे बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस की नजर भी पठान पर टिकी है। क्या अपने फैंस और बॉक्स ऑफिस की उम्मीदों पर पठान खरा उतरता है? फिल्म में दिखाया गया है कि कश्मीर से धारा 370 के हटने के बाद पड़ोसी मुल्क में भूचाल आ जाता है। ऐसे में पाकिस्तान एक हाईटेक प्राइवेट आतंकवादी गिरोह आउटफिट एक्स का सहारा लेता है। इस गिरोह का लीडर जिम एक समय में इंडियन इंटेलिजेंस फोर्स का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसके साथ हुए हादसे ने उसे देश से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। जिम का मकसद एक वायरस के जरिए इंडिया में तबाही मचाना है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को जिम के इस इरादे की भनक लगती है और उसके अगेंस्ट वो अपने सबसे काबिल एजेंट पठान को खड़ा करते है। इस मिशन के दौरान पठान की मुलाकात रूबीना मोहसिन से होती है। रूबीना कौन है, वो क्या वायरस है जिसे देश तबाह हो सकता है? जिम की बैकड्रॉप स्टोरी क्या है? और सबसे अहम सवाल, क्या पठान अपने इस मकसद में कामयाब हो पाता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए थिएटर का रुख करना होगा। वार जैसी फिल्मों में अपने एक्शन थ्रिलर का जलवा बिखर चुके डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद पठान लेकर आए हैं। सिद्धार्थ की इस फिल्म में आपको जिस मसाला फिल्म की उम्मीद है वो भरपूर मात्रा में है। पावर पैक्ड एक्शन, एक्साइटेड लोकेशन, रोमांस, कॉमेडी, डायलॉगबाजी, देशभक्ति इमोशन से लबरेज फिल्म फैंस के लिए पूरी तरह पैसा वसूल साबित है। बात जब सुपरस्टार और मसाला फिल्म के कॉम्बिनेशन की हो तो कहानी का सीक्वेंस में लॉजिक ढूंढना सही नहीं होता है। कहानी के मामले में बेशक फिल्म का पक्ष कमजोर है, लेकिन जिस तरह के एक्शन और डायलॉग्स लिखे गए हैं वो इन कमी पर पूरी तरह पर्दा डालते हैं।
फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन जिस हुक पॉइंट पर इंटरवल रखा गया है कि आप फौरन इसके दोबारा शुरू होने का इंतजार करने लगते हैं, कहानी के सेकेंड हाफ में आप पठान की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि कई बार सीटी बजाने क्लैपिंग करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं। यकीन माने 2 घंटे 26 मिनट पर बनी इस फिल्म में आपको वो हर इमोशन मिलता है जो एक फैन देखना चाहता है। पूरी फिल्म देखने पर यह एहसास होता है कि मेकर्स ने आपको ठगा नहीं है, बल्कि उन लॉयल फैंस को एक तोहफा दिया है जिसकी उन्हें अदद दरकार थी। फिल्म एक्शन और VFX पर बेमिसाल काम किया गया है। कुछ एक्शन सीक्वेंस आपको डाइजेस्ट नहीं होंगे, लेकिन स्क्रीन पर वो इतने भव्य दिखते हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। फिल्म का मजबूत पक्ष उसका VFX, सिनेमाटोग्राफी, एक्शन सीक्वेंस और म्यूजिक है। दुबई, पेरिस, अफगानिस्तान हो या अफ्रीका, सचिव पाउलेसिस की सिनेमाटोग्राफी से हर फ्रेम पर शहर और लोकेशन की भव्यता खूबसूरत दिखी है। स्क्रीन पर पठान एक लार्जर देन लाइफ वाली फील देती है। फिल्म के गानों ने तो रिलीज से पहले ही बवाल मचाया था। बेशरम रंग और झूमे जो पठान गानों की फीलिंग सीन्स के दौरान सटीक बैठती है। सचित और अंकित बलहारा की म्यूजिक ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म के दौरान थ्रिल और एक्साइटमेंट को बढ़ाने में फ्यूल का काम करता है। पठान के एक्शन के परफेक्शन के लिए विदेशी और कई देशी एक्शन ट्रेनर का समायोजन दिखा है। उनका काम 100% से भी बेहतर है। फिल्म के न केवल लोकेशन भव्य है, बल्कि इसके सभी कास्ट भी स्टाइलिश नजर आते हैं। शाहरुख, दीपिका ने तो अपने पहले लुक में ही महफिल लूट ली थी, लेकिन जिस तरह से सभी कास्ट को कॉस्ट्यूम और स्टाइलिंग और डेडलिंग काम किया गया है, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। ममता आनंद, निहारिका जौली और शलीना नथानी का स्टाइलिंग कमाल का है। शाहरुख की लुक और बॉडी पर जो काम हुआ है, उनके ट्रेनर प्रशांत सावंत की मेहनत भी साफ दिखती है। 4 साल बाद सुपरस्टार शाहरुख खान को स्क्रीन पर देखने को फैंस तरस गए थे। फैंस की उम्मीदों पर शाहरुख पूरी तरह खरे उतरते हैं। इमोशंस में माहिर शाहरुख को एक्शन करता देखना उनके फैंस के लिए सरप्राइज एलिमेंट है। एक परफेक्ट हीरो की परिभाषा को शाहरुख ने पूरा किया है। इसमें उनका इतना हैंडसम दिखना सोने पर सुहागा वाली बात है। वही दीपिका पादुकोण सरप्राइज करती है। ग्लैमरस के साथ साथ पावर पैक एक्शन करती दिखी दीपिका को अब एक्शन फिल्मों को एक्सप्लोर करना चाहिए। जॉन अब्राहम हमेशा से स्टाइलिश एक्टर कहे जाते हैं। विलन के रूप में वो जचे हैं और पूरी फिल्म के दौरान अपने इसी एंग्स इमोशन को बरकरार रखा है। डिंपल कपाड़िया और आशुतोष राणा ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। उनकी मौजूदगी फिल्म को बखूबी बैलेंस करती है। दमदार एक्शन के साथ पठान की धमाकेदार वापसी, छाया टाइगर सलमान खान का कैमियो। फिल्म जीरो की रिलीज के करीब 4 साल बाद शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म पठान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। एक था टाइगर और वार जैसी जासूस थ्रिलर फिल्म में बना चुके यशराज फिल्म्स ने अपनी इस जासूसी फिल्मों का यूनिवर्स बनाने की बात कही है। इसका शुभारंग पठान से हो चुका है। पठान में टाइगर यानी सलमान खान आते हैं। कहानी यू की 2019 में कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया जा चुका है। इससे पाकिस्तान बौखला गया है। सेना का जनरल भारत को घुटनों पर लाने के लिए जिम की सेवाएं लेता है। जिम का मकसद पैसा या पावर हासिल करना नहीं, बल्कि निजी है। कभी वह भी जबाज भारतीय जासूस था, पर अब बागी हो चुका है। उसके नापाक मंसूबों को अगर कोई रोक सकता है तो वह है भारतीय एजेंट पठान। जिम तक पहुँचने में पठान की मुलाकात ISI एजेंट डॉ रुबीना मायोसिन से होती है। चूंकि जासूसी थ्रिलर फिल्मों की कहानी का आधार कोई ना कोई मिशन होता है, यहाँ पर भी मकसद रक्त बीज को हासिल करना है। यह एक जैविक हथियार है। जिम इसे भारत में फैलाना चाहता है। उसके नापाक मंसूबों को पठान कैसे असफल करेगा, इसके लिए कई ट्विस्ट और टर्न के साथ कहानी गढ़ी गई है। बैग मैंगवार जैसी एक्शन फिल्में बनाने वाले सिद्धार्थ आनंद ने निर्देशन के साथ पठान की कहानी भी लिखी है। यहाँ पर भी उन्होंने एक्शन पर पकड़ बनाई रखी है। हेलीकॉप्टर, बंदूक, तोप, हैंड टू हैंड फाइट, बर पर बाइक के चेंजिंग के दृश्य के जरिए रोमांच एक्शन को गढ़ा गया है। फिल्म को मसालेदार बनाने के लिए उन्होंने एक्शन के साथ रोमांस, नाच गाना सब डाला है। फिल्म की कमजोर कड़ी कहानी है। शुरुआत भारतीय वैज्ञानिक का जिम सरेआम दूसरे देश में अपहरण कर लेता है। उसकी रिहाई की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। श्रीधर राघव के स्क्रीन प्ले में जब जैविक हमले का जिक्र आता है तो यह हमले कितने खतरनाक हो सकते हैं उसके बारे में बताया गया है, लेकिन वह बहुत प्रभावशाली तरीके से दर्शा नहीं पाए है। वहां तक पहुंचने में भी लेखक ने काफी समय लिया है। फिल्म में पूरा फोकस पठान पर रहा है, इस वजह से बाकी किरदारों को समुचित तरीके से पनपनाने का मौका नहीं मिला। बहरहाल यहाँ पर भी खलनायक और पठान के बीच अपना दम दमक दिखाने को लेकर आमने सामने सीन गढ़े गए हैं। हालांकि इन्हें बेहतर और रोचक बनाने की भरपूर संभावना थी। फिल्म का खास आकर्षण एक था टाइगर के टाइगर यानी सलमान खान रहे। उन्हें कई पंचिंग लाइनें मिली है। फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स भी काफी है।
फिल्म कई देशों में विचरण करती है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप कहाँ है। वैसे ही इतने देशों में नहीं भी ले जाते तो कहानी को सहजता से कहा जा सकता था। पर हाँ, संचित पालोस को सिनेमाटोग्राफी बहुत खूबसूरत है, कई लोकेशन नैना भारी में है। अब्बास टायरवाला के संवाद कई कई चुटकुले है। शाहरुख खान ने पहली बार विरुद्ध एक्शन फिल्म में काम किया है। यहाँ पर बॉडी बनाने के साथ उन्होंने अपने बाल भी बढ़ाए है, उन्हें भरपूर एक्शन करने का मौका मिला है। एक्शन करते वो अच्छे लगते हैं। पठान के पास कहने को टीम है, लेकिन उसकी उपयोगिता कहानी में कई खास दिखती नहीं है। फिल्म में आधुनिक तकनीक के जरिए इंसान या वस्तु की प्रकृति दिखाने की कोशिश हुई है, पर उस तकनीक का उपयोग सिर्फ एक जगह हुआ है, जबकि उसका प्रयोग कहीं और भी किया जा सकता था। दीपिका पादुकोण फिल्म में काफी ग्लैमरस दिखी है। बेशरम रंग गाने में केसरिया रंग की पोशाक को लेकर विवाद के बाद सेंसर की कैंची चली है। शाहरुख के साथ इससे पहले फिल्म ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू ईयर में काम कर चुकी दीपिका को भी यहां पर काफी एक्शन करने का मौका मिला है। एक दृश्य में रूबीना कैमरे में आती है, जिससे पता चले कि वो कहां है। पर पठान को उसने जहां फंसाया होता है उसके बाद उसे मरा हुआ समझा जा रहा था। ऐसे में पठान की वापसी को लेकर वह कैसे आश्वस्त थी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। रूबीना के दर्दनाक अतीत को अगर कहानी से ना भी जोड़ते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सहयोगी भूमिका में आए डिंपल कपाड़िया और आशुतोष राणा अपनी भूमिका साथ न्याय करते हैं। यह लार्जर देन लाइफ फिल्म है, तो इसमें दिमाग लगाने की कोशिश ना करें। फिल्म के आखिर में एक और जासूस को जोड़ने का संकेत है। बहरहाल टाइगर 3 में आने का वादा टाइगर ने पठान से ले लिया है, यानी शाहरुख खान और सलमान खान फिर साथ दिखेंगे। इस बार टाइगर की मदद के लिए पठान आएगा। शाहरुख को बचाने टाइगर की धुआंधार एंट्री। पठान में सलमान खान को देख क्रेजी हुए फैंस। शाहरुख खान, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण की पठान रिपब्लिक डे के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। चारों तरफ पठान की धूम और शोरगुल देखने को मिल रहा है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद फैंस की प्रतिक्रिया भी सोशल मीडिया पर आने लगी है। पठान देखने गए दर्शकों का मजा दो गुना तब हुआ जब उन्होंने शाहरुख खान के साथ टाइगर को देखा। जी हाँ, पठान के साथ टाइगर यानी सलमान खान की झलक भी देखने को मिली, जिसे देख फैंस सुपर एक्साइटेड हो गए। शाहरुख खान की पठान देखने गए फैंस को जब सिनेमा हॉल में सलमान खान की टाइगर की झलक देखने को मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बता दें, सलमान खान की टाइगर 3 दिवाली के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इसे भी यशराज फिल्म्स की प्रेजेंट कर रहा है और पठान को भी। ये सभी फिल्में YRF की स्पाई यूनिवर्स सीरीज के तहत है। ये भी साफ कर देते है कि पठान में सलमान खान का कैमियो है, उनका टाइगर 3 की झलक इसमें देखने को मिलती है। पठान देखने के फैंस को सलमान खान की ओर से दो बड़े सरप्राइज मिले हैं। पहला तो उन्हें शाहरुख खान के साथ कुछ सीन्स में एक्शन करते देखा गया, तो दूसरा ये कि दर्शकों ने सिनेमा हॉल में किसी का भाई किसी की जान का टीजर भी देखा। सलमान खान की ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज हो रही है। Great, of course. We just watched Pathaan. It's absolutely brilliant and so much fun to watch Shahrukh sir back on screen after such a long gap. सबसे best part क्या थी इस movie की? That's a surprise. I can't break that surprise. But go watch it for the especially the end scene. It's so beautiful and the action was great. And just as I said, just felt so good watching Shahrukh sir back on screen after such a long gap. How attractive was music? Great. Everything was great about Pathaan. I think everybody should go watch it. It's a lot of fun. The action is great. His performance, his whole charisma, everything about him is just awesome. John sir is also great. Deepika is also very good. Yeah. Few people are saying boycott. What you would like to say on that? Go watch it. Yeah. Thank you so much. Thank you. Yeah. जी अभी बहुत फुल पैसा वसूल, वंडरफुल एंटरटेनमेंट। व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट इन दिस होल? द बेस्ट पार्ट इन द होल मूवी इज द वेरी 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 लास्ट सीन व्हिच यू शुड सी बिटवीन सलमान खान एंड शाहरुख खान। अगर म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक कितना अट्रैक्ट करता है? म्यूजिक तो एक गाना ही है मेजर, जो कि
which has already been a hit. Despite the controversy which some people, some stupid people tried to make out of it, it's very entertaining. म्यूजिक हमेशा पहले ही दिया जाता है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है कि इसी फिल्म में म्यूजिक हमेशा हिंदुस्तान में गाने पहले आते हैं, लेकिन इट्स अ फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट, दैट्स व्हाट आई वुड से। लोगों का कहना ये भी है कि मूवी को बायकॉट किया जाए, आपका कहना क्या है इस पर? अगर मुझे मेरे दिमाग में ऐसा कुछ दूर से भी विचार आता तो मैं आज क्यों ये शो देखने आता? और ये बायकॉट करने वाले हैं उनको बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए, उनको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो मुझे बायकॉट कराने वाले या किसी थिएटर पे पत्थर फेंकने वाले या आसाम में किसी फिल्म हॉल में जाके उसके पोस्टर नोचने वाले, वो बिल्कुल गलत है, वो गैर कानूनी हरकत है, इट्स अ क्रिमिनल एक्टिविटी एंड द स्टेट गवर्नमेंट शुड पनिश देम। जब एक फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है, देन नोबडी हैज़ द राइट टू स्टॉप फ्रॉम अदर पीपल, अदर इंडियंस टू वॉच इट। How was it like? I said it was the whole credit goes to the whole team, to the writer Sridhar Raghavan, to the dialogue writer Abbas Tairwala, to the whole team. It's not about, because you see the whole thing is that we think that it's only the hero, but somebody else designs the makeup and the costume and the dialogue and everything for the hero, for the story, for the hero. So it's not about one person. Film is a joint effort of a big team, and the whole team needs kudos for having made a very, very entertaining Hindi film. Thank you. अरे छोड़। कौन है?
लाइट चालू कर यार। नहीं है, चालू है भाई इतना ही। अरे तो नहीं चलो, नहीं आ जा, आ जा, आ जा। अबे इधर से आ जा। रोल नंबर जाने दो भाई। रोल नंबर हो गया, हो गया। घूम ले तो गाड़ी, गाड़ी घूमे तो गाड़ी घूमे तो धक्का नहीं विनोद। अरे इकडे हो तरी गाडी लंबा जाने दो कोई नहीं है, त्रिपाठी लग रहा है। अरे यार सुजन जी यहाँ पे, सुजन जी यहाँ पे भी है पीछे। जाहिद भाई पीछे भाई इधर पीछे खाली गाड़ी जाने, इनका ही विद्युत सर है क्या? आराम से रुक जा मनोज इतनी से विद्युत सर कैसे हो? कैसे आप सर? पठान देखने जा रहे हैं वही करने। सबसे बड़ा एक्शन सुपरस्टार को देखने जा रहा हूं। क्या बात है विद्युत सर, एक आग लगा दिया मूवी, आग लगा दिया। अरे मैडम भी है, मास्क में अच्छा। शिल्पा मैम इकड़े
अरे छोड़। आप लाइट से नहीं रहना, आप लाइट जब नहीं रहना भी आया जो है तो ये मां क्या देखे आया क्या भाई वो दिखा चलना मैं कोई कोई तो है पूनम वाला पूनम वाला सर सर दिस साइड पार्लर लाइट आ रही लाइट चालू कर यार। नहीं है चालू है भाई इतना ही। अरे तो बंद इधर से आए। रोल नंबर जाने दो भाई। रोल नंबर हो गया हो गया। ओए घूम ले तो गाड़ी गाड़ी घूम ले तो गाड़ी घूम ले तो साइड से ले लो साइड ला साइड ला ओए कर धक्का नहीं मत दो बे धक्का नहीं विनोद अरे इकडे हो तो तू तरी गाड़ी ले ना तू यार ना आमचा फोटो ये क्या गाड़ी लंबा जाने दो सर अच्छा कोई नहीं है त्रिपाठी लग रहा है अरे यार सुजन जी यहाँ पे सुजन जी यहाँ पे भाई भी है पीछे जाहिद भाई पीछे जाओ पीछे भाई रुको
भाई 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 इधर 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 भाई जान दो जान दो ये पीछे खाली गाड़ी जान दो इनका इनका ही गाड़ी खाली है खाली है इनका ही इधर है ये आगे गया वो गाड़ी उसमें थी मैं पांडे को वो सर पांडे को संता जी इधर हां यार यार आ जा 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 अरे हटना ये जाओ दे जाओ दे जाओ दे डिपो पे डिपो पे ये जाओ दे कैमरा कैमरा ये ले दे ले दे ये कौन है इधर विद्युत सर विद्युत सर विद्युत सर टाइगर टाइगर सिलवानी है क्या ये आराम से आराम से रुक जा रुक जा मनोज इधर ही से वाइट भी है ना कितना आया विद्युत सर विद्युत सर कैसे हो कैसे हैं आप सर पठान देखने जा रहे हैं वही करने सबसे बड़ा एक्शन सुपरस्टार को देखने जा रहे हैं क्या बात है विद्युत सर एक आग लगा दिया मूवी आग लगा दिया अरे मैडम भी है मास्क में मास्क में अच्छा अच्छा शिल्पा मैम शाहरुख खान पर भारी पड़ा जॉन अब्राहम का एक्शन सलमान खान का कैमियो फिल्म का बेस्ट पार्ट आज शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान रिलीज हुई है फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है एडवांस बुकिंग के मामले में भी पठान ने केजीएफ 2 के 5 लाख टिकट बुकिंग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है वहीं दूसरी तरफ फिल्म का विरोध भी जारी है दैनिक भास्कर की मूवी रिव्यू में पढ़िए पठान कैसी है कहानी से लेकर स्टार्स की एक्टिंग तक क्या क्या खूबियां या खामियां है फिल्म की कहानी है एक एक्स भारतीय एजेंट जिम की जिसके परिवार को उसी के सामने इसलिए मार दिया गया क्योंकि भारत ने उन्हें छुड़ाने के लिए मुआवजा नहीं दिया जिम को मरा हुआ समझकर भारत सरकार ने उसे वीर पुरस्कार दिया लेकिन जिम बच गया कुछ समय बाद जिम ने भारत से अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया और एक बायोलॉजिकल हथियार बनाया जिम को रोकने के लिए भारत की तरफ से पठान और उसकी टीम तैयार की गई मिशन के दौरान पठान की मुलाकात डॉक्टर रूबीना खान से होती है जो पठान का मिशन और मुश्किल कर देती है अब पठान कैसे ताकतवर जिम को रोकेगा या रोक पाएगा भी या नहीं यही फिल्म की कहानी है शाहरुख खान पठान के रोल में अच्छे लगे हैं, एक्टिंग में उनका कोई तोड़ नहीं है एक्शन सीन्स में भी शाहरुख खान ने इम्प्रेस किया है दीपिका पादुकोण की स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है लेकिन उनके खाते में अच्छे डायलॉग्स नहीं आए है वैसे तो उन्हें पाकिस्तानी डॉक्टर से आईएएस एजेंट बनने का किरदार दिया गया है लेकिन जिस बोलने से वो नजर आई है उसमें पाकिस्तानी टच नहीं मिलता है उनके पाकिस्तानी एक्सेंट पर भी ध्यान नहीं दिया गया है डिंपल कपाड़िया और आशुतोष राणा ने सीनियर ऑफिसर के रोल में अच्छी परफॉर्मेंस दी है यहाँ सबसे अच्छा रोल जॉन अब्राहम का है इंटेंस लुक और दमदार डायलॉग के साथ बना जॉन का किरदार जब भी आया है शाहरुख खान पर भारी पड़ा है इनका एक्शन शाहरुख खान को फेल करता है फिल्म में जॉन की डायलॉग डिलीवरी कमाल की है डायरेक्शन की बात करें तो सिद्धार्थ आनंद का काम आउटस्टैंडिंग है उन्होंने सभी सीन्स को बखूबी पेश किया है स्क्रीन प्ले के लिहाज से फिल्म बेहतरीन बनी है जिसमें नुक्स निकाल पाना मुश्किल है पठान का बैकग्राउंड म्यूजिक काफी फ्रेश है किसी भी म्यूजिक को ओवर यूज नहीं किया गया है जो इसका प्लस पॉइंट है पठान के एंथम को भी कहीं कहीं इस्तेमाल किया गया है हर सीन का नया म्यूजिक उसे फ्रेश बनाता है एक्शन सीन में हाई लेवल VFX आपको सीट से हिलने नहीं देगा कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सीन नकली है जो इसका प्लस पॉइंट है एक्शन सीन काफी स्मूथ है फिल्म की कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है लेकिन इसमें राइटर हर किरदार की पिछली स्टोरी नहीं दिखा सके है दीपिका के बचपन को चंद सेकंड में समेट दिया गया है इसके बाद आपको खुद ही उनकी कहानी समझनी होगी
पठान किरदार को थोड़ा डिटेल के साथ बनाया गया है, लेकिन उसमें भी राइटर गहराई तक नहीं गए हैं, क्योंकि शाहरुख खान की एंट्री ही पीटते हुए होती है तो दर्शक को तालियां बजाने का मौका नहीं मिलता। जॉन के एंट्री सीन में की गई मेहनत साफ दिखती है। सलमान खान यहाँ चंद मिनट के कैमियो में नजर आए हैं, जो धीमी पड़ी फिल्म की रफ्तार को फिर तेज करते हैं। सलमान खान यहाँ टाइगर बनकर दोस्त पठान की मदद करते हैं और गुदगुदाते भी है। एक और बात जो यहाँ खलती है वो है कि कहानी मिशन से शुरू होकर मिशन पर खत्म कर दी गई है। रोमांस की एक कमी है जो आपको महसूस होगी। पूरी फिल्म में सिर्फ एक गाना है, वो है बेशरम रंग। इसके अलावा दूसरा गाना आपको फिल्म खत्म होने के बाद देखने को मिलेगा। विलन बने जॉन को कुछ ज्यादा ही ताकतवर बताया गया है, लेकिन आखिर में उसे यूं ही आसानी से गिरा दिया गया है। विलन का बार बार अपने प्लान और उसे रोकने का तरीका खुद बताना भी आपको अटपटा लग सकता है। बेशरम रंग गाने पर दीपिका पादुकोण द्वारा पहनी गई भगवा बिकनी पर खूब विवाद हुए थे। लोगों ने बॉयकॉट पठान ट्रेड करवाया और फिल्म रिलीज रोकने की मांग की। विवाद बढ़ने के बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कुछ बदलाव करने का सुझाव दिया था। इसके बाद मेकर्स ने फिल्म से भगवा बिकनी को तो नहीं हटाई, लेकिन भगवा बिकनी पहनी दीपिका और शाहरुख का एक बोल्ड सीन हटाया गया है। आप शाहरुख खान और दीपिका के डाई हार्ट फैन हैं, तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। शाहरुख दीपिका की पठान ने सबको चटाई धूल, दूसरे दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जानकर रह जाएंगे हैरान। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की फिल्म पठान को एक और जहां इंडिया में काफी तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है, तो फिल्म वर्ल्ड वाइड भी धमाका कर रही है। फिल्म ने पहले ही दिन 106 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। वही फिल्म का दो दिन का कलेक्शन 250 करोड़ के करीब पहुंच गया है। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने ट्वीट कर पठान को दो दिन की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की जानकारी दी है। रमेश के मुताबिक पठान ने दो दिनों में 235 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। बता दें कि ये काफी बड़ा आंकड़ा है, यानी फिल्म ने दूसरे दिन करीब 130 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। अगर पठान ऐसे ही कमाई करती रही तो उम्मीद की जा रही है कि फिल्म वीकेंड में ही 500 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी और जल्द ही इंडियन सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी बन सकती है। एक और जहां पठान का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 235 करोड़ रुपए हो गया है, तो दूसरी ओर पठान ने दूसरे दिन पहले से भी अधिक की कमाई की है। पठान ने पहले दिन 57 करोड़ की बम्पर कमाई की थी। फिल्म के हिंदी वर्जन ने 55 करोड़ रुपए जबकि अन्य वर्जन ने 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वही दूसरे दिन सैकनल की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के सभी वर्जन ने मिलाकर नेट कलेक्शन 70 करोड़ रुपए के आसपास किया है, यानी फिल्म का कुल कलेक्शन करीब 130 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि ये अर्ली ट्रेंड है और कमाई थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। शाहरुख खान ने पठान से साबित कर दिया है कि वो किंग खान क्यों कहलाते हैं। शाहरुख के सेक्शन अवतार को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। पठान के बाद शाहरुख खान फिल्म डंकी और जवान में भी नजर आएंगे। राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी में शाहरुख खान की जोड़ी तापसी पन्नू के साथ बनी। फिल्म 22 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इन दोनों फिल्मों के अलावा शाहरुख निर्देशक एटली के साथ भी फिल्म जवान में नजर आएंगे। शाहरुख खान की जवान 2 जून 2023 को हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा में रिलीज। कुर्सी की पेटी बांधो या ना बांधो, सीट से उठने नहीं देता पठान का टशन और एक्शन। शाहरुख खान 4 साल के लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बादशाह के फैंस के लिए ये सेलिब्रेशन का वक्त है। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों से ड्राई चल रहे बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस की नजर भी पठान पर टिकी है। क्या अपने फैंस और बॉक्स ऑफिस की उम्मीदों पर पठान खरा उतरता है? फिल्म में दिखाया गया है कि कश्मीर से धारा 370 के हटने के बाद पड़ोसी मुल्क में भूचाल आ जाता है। ऐसे में पाकिस्तान एक हाईटेक प्राइवेट आतंकवादी गिरोह आउटफिट एक्स का सहारा लेता है। इस गिरोह का लीडर जिम एक समय में इंडियन इंटेलिजेंस फोर्स का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसके साथ हुए हादसे ने उसे देश से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। जिम का मकसद एक वायरस के जरिए इंडिया में तबाही मचाना है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को जिम के इस इरादे की भनक लगती है और उसके अगेंस्ट वो अपने सबसे काबिल एजेंट पठान को खड़ा करते है। इस मिशन के दौरान पठान की मुलाकात रूबीना मोहसिन से होती है। रूबीना कौन है, वो क्या वायरस है जिसे देश तबाह हो सकता है? जिम की बैकड्रॉप स्टोरी क्या है? और सबसे अहम सवाल, क्या पठान अपने इस मकसद में कामयाब हो पाता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए थिएटर का रुख करना होगा। वार जैसी फिल्मों में अपने एक्शन थ्रिलर का जलवा बिखर चुके डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद पठान लेकर आए हैं। सिद्धार्थ की इस फिल्म में आपको जिस मसाला फिल्म की उम्मीद है वो भरपूर मात्रा में है। पावर पैक्ड एक्शन, एक्साइटेड लोकेशन, रोमांस, कॉमेडी, डायलॉगबाजी, देशभक्ति इमोशन से लबरेज फिल्म फैंस के लिए पूरी तरह पैसा वसूल साबित है। बात जब सुपरस्टार और मसाला फिल्म के कॉम्बिनेशन की हो तो कहानी का सीक्वेंस में लॉजिक ढूंढना सही नहीं होता है। कहानी के मामले में बेशक फिल्म का पक्ष कमजोर है, लेकिन जिस तरह के एक्शन और डायलॉग्स लिखे गए हैं वो इन कमी पर पूरी तरह पर्दा डालते हैं।
फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन जिस हुक पॉइंट पर इंटरवल रखा गया है कि आप फौरन इसके दोबारा शुरू होने का इंतजार करने लगते हैं, कहानी के सेकेंड हाफ में आप पठान की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि कई बार सिटी बजाने क्लैपिंग करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं। यकीन माने 2 घंटे 26 मिनट पर बनी इस फिल्म में आपको वो हर इमोशन मिलता है जो एक फैन देखना चाहता है। पूरी फिल्म देखने पर यह एहसास होता है कि मेकर्स ने आपको ठगा नहीं है, बल्कि उन लॉयल फैंस को एक तोहफा दिया है जिसकी उन्हें अदद दरकार थी। फिल्म एक्शन और VFX पर बेमिसाल काम किया गया है। कुछ एक्शन सीक्वेंस आपको डाइजेस्ट नहीं होंगे, लेकिन स्क्रीन पर वो इतने भव्य दिखते हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। फिल्म का मजबूत पक्ष उसका VFX, सिनेमाटोग्राफी, एक्शन सीक्वेंस और म्यूजिक है। दुबई, पेरिस, अफगानिस्तान हो या अफ्रीका, सचिव पाउलेसिस की सिनेमाटोग्राफी से हर फ्रेम पर शहर और लोकेशन की भव्यता खूबसूरत दिखी है। स्क्रीन पर पठान एक लार्जर देन लाइफ वाली फील देती है। फिल्म के गानों ने तो रिलीज से पहले ही बवाल मचाया था। बेशरम रंग और झूमे जो पठान गानों की फीलिंग सीन्स के दौरान सटीक बैठती है। सचित और अंकित बलहारा की म्यूजिक ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म के दौरान थ्रिल और एक्साइटमेंट को बढ़ाने में फ्यूल का काम करता है। पठान के एक्शन के परफेक्शन के लिए विदेशी और कई देशी एक्शन ट्रेनर का समायोजन दिखा है। उनका काम 100% से भी बेहतर है। फिल्म के न केवल लोकेशन भव्य है, बल्कि इसके सभी कास्ट भी स्टाइलिश नजर आते हैं। शाहरुख, दीपिका ने तो अपने पहले लुक में ही महफिल लूट ली थी, लेकिन जिस तरह से सभी कास्ट को कॉस्ट्यूम और स्टाइलिंग और डेडलिंग काम किया गया है, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। ममता आनंद, निहारिका जौली और शलीना नथानी का स्टाइलिंग कमाल का है। शाहरुख की लुक और बॉडी पर जो काम हुआ है, उनके ट्रेनर प्रशांत सावंत की मेहनत भी साफ दिखती है। 4 साल बाद सुपरस्टार शाहरुख खान को स्क्रीन पर देखने को फैंस तरस गए थे। फैंस की उम्मीदों पर शाहरुख पूरी तरह खरे उतरते हैं। इमोशंस में माहिर शाहरुख को एक्शन करता देखना उनके फैंस के लिए सरप्राइज एलिमेंट है। एक परफेक्ट हीरो की परिभाषा को शाहरुख ने पूरा किया है। इसमें उनका इतना हैंडसम दिखना सोने पर सुहागा वाली बात है। वही दीपिका पादुकोण सरप्राइज करती है। ग्लैमरस के साथ साथ पावर पैक एक्शन करती दिखी दीपिका को अब एक्शन फिल्मों को एक्सप्लोर करना चाहिए। जॉन अब्राहम हमेशा से स्टाइलिश एक्टर कहे जाते हैं। विलन के रूप में वो जचे हैं और पूरी फिल्म के दौरान अपने इसी एंग्स इमोशन को बरकरार रखा है। डिंपल कपाड़िया और आशुतोष राणा ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। उनकी मौजूदगी फिल्म को बखूबी बैलेंस करती है। दमदार एक्शन के साथ पठान की धमाकेदार वापसी, छाया टाइगर सलमान खान का कैमियो। फिल्म जीरो की रिलीज के करीब 4 साल बाद शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म पठान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। एक था टाइगर और वार जैसी जासूस थ्रिलर फिल्म में बना चुके यशराज फिल्म्स ने अपनी इस जासूसी फिल्मों का यूनिवर्स बनाने की बात कही है। इसका शुभारंग पठान से हो चुका है। पठान में टाइगर यानी सलमान खान आते हैं। कहानी यू की 2019 में कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया जा चुका है। इससे पाकिस्तान बौखला गया है। सेना का जनरल भारत को घुटनों पर लाने के लिए जिम की सेवाएं लेता है। जिम का मकसद पैसा या पावर हासिल करना नहीं, बल्कि निजी है। कभी वह भी जबाज भारतीय जासूस था, पर अब बागी हो चुका है। उसके नापाक मंसूबों को अगर कोई रोक सकता है तो वह है भारतीय एजेंट पठान। जिम तक पहुँचने में पठान की मुलाकात ISI एजेंट डॉ रुबीना मायोसिन से होती है। चूंकि जासूसी थ्रिलर फिल्मों की कहानी का आधार कोई ना कोई मिशन होता है, यहाँ पर भी मकसद रक्त बीज को हासिल करना है। यह एक जैविक हथियार है। जिम इसे भारत में फैलाना चाहता है। उसके नापाक मंसूबों को पठान कैसे असफल करेगा, इसके लिए कई ट्विस्ट और टर्न के साथ कहानी गढ़ी गई है। बैग मैंगवार जैसी एक्शन फिल्में बनाने वाले सिद्धार्थ आनंद ने निर्देशन के साथ पठान की कहानी भी लिखी है। यहाँ पर भी उन्होंने एक्शन पर पकड़ बनाई रखी है। हेलीकॉप्टर, बंदूक, तोप, हैंड टू हैंड फाइट, बर पर बाइक के चेंजिंग के दृश्य के जरिए रोमांच एक्शन को गढ़ा गया है। फिल्म को मसालेदार बनाने के लिए उन्होंने एक्शन के साथ रोमांस, नाच गाना सब डाला है। फिल्म की कमजोर कड़ी कहानी है। शुरुआत भारतीय वैज्ञानिक का जिम सरेआम दूसरे देश में अपहरण कर लेता है। उसकी रिहाई की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। श्रीधर राघव के स्क्रीन प्ले में जब जैविक हमले का जिक्र आता है तो यह हमले कितने खतरनाक हो सकते हैं उसके बारे में बताया गया है, लेकिन वह बहुत प्रभावशाली तरीके से दर्शा नहीं पाए है। वहां तक पहुंचने में भी लेखक ने काफी समय लिया है। फिल्म में पूरा फोकस पठान पर रहा है, इस वजह से बाकी किरदारों को समुचित तरीके से पनपनाने का मौका नहीं मिला। बहरहाल यहाँ पर भी खलनायक और पठान के बीच अपना दम दमक दिखाने को लेकर आमने सामने सीन गढ़े गए हैं। हालांकि इन्हें बेहतर और रोचक बनाने की भरपूर संभावना थी। फिल्म का खास आकर्षण एक था टाइगर के टाइगर यानी सलमान खान रहे। उन्हें कई पंचिंग लाइनें मिली है। फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स भी काफी है।
फिल्म कई देशों में विचरण करती है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप कहाँ है। वैसे ही इतने देशों में नहीं भी ले जाते तो कहानी को सहजता से कहा जा सकता था। पर हाँ, संचित पालोस को सिनेमाटोग्राफी बहुत खूबसूरत है, कई लोकेशन नैना भारी में है। अब्बास टायरवाला के संवाद कई कई चुटकुले है। शाहरुख खान ने पहली बार विरुद्ध एक्शन फिल्म में काम किया है। यहाँ पर बॉडी बनाने के साथ उन्होंने अपने बाल भी बढ़ाए है, उन्हें भरपूर एक्शन करने का मौका मिला है। एक्शन करते वो अच्छे लगते हैं। पठान के पास कहने को टीम है, लेकिन उसकी उपयोगिता कहानी में कई खास दिखती नहीं है। फिल्म में आधुनिक तकनीक के जरिए इंसान या वस्तु की प्रकृति दिखाने की कोशिश हुई है, पर उस तकनीक का उपयोग सिर्फ एक जगह हुआ है, जबकि उसका प्रयोग कहीं और भी किया जा सकता था। दीपिका पादुकोण फिल्म में काफी ग्लैमरस दिखी है। बेशरम रंग गाने में केसरिया रंग की पोशाक को लेकर विवाद के बाद सेंसर की कैंची चली है। शाहरुख के साथ इससे पहले फिल्म ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू ईयर में काम कर चुकी दीपिका को भी यहां पर काफी एक्शन करने का मौका मिला है। एक दृश्य में रूबीना कैमरे में आती है, जिससे पता चले कि वो कहां है। पर पठान को उसने जहां फंसाया होता है उसके बाद उसे मरा हुआ समझा जा रहा था। ऐसे में पठान की वापसी को लेकर वह कैसे आश्वस्त थी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। रूबीना के दर्दनाक अतीत को अगर कहानी से ना भी जोड़ते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सहयोगी भूमिका में आए डिंपल कपाड़िया और आशुतोष राणा अपनी भूमिका साथ न्याय करते हैं। यह लार्जर देन लाइफ फिल्म है, तो इसमें दिमाग लगाने की कोशिश ना करें। फिल्म के आखिर में एक और जासूस को जोड़ने का संकेत है। बहरहाल टाइगर 3 में आने का वादा टाइगर ने पठान से ले लिया है, यानी शाहरुख खान और सलमान खान फिर साथ दिखेंगे। इस बार टाइगर की मदद के लिए पठान आएगा। शाहरुख को बचाने टाइगर की धुआंधार एंट्री। पठान में सलमान खान को देख क्रेजी हुए फैंस। शाहरुख खान, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण की पठान रिपब्लिक डे के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। चारों तरफ पठान की धूम और शोरगुल देखने को मिल रहा है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद फैंस की प्रतिक्रिया भी सोशल मीडिया पर आने लगी है। पठान देखने गए दर्शकों का मजा दो गुना तब हुआ जब उन्होंने शाहरुख खान के साथ टाइगर को देखा। जी हाँ, पठान के साथ टाइगर यानी सलमान खान की झलक भी देखने को मिली, जिसे देख फैंस सुपर एक्साइटेड हो गए। शाहरुख खान की पठान देखने गए फैंस को जब सिनेमा हॉल में सलमान खान की टाइगर की झलक देखने को मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बता दें, सलमान खान की टाइगर 3 दिवाली के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इसे भी यशराज फिल्म्स की प्रेजेंट कर रहा है और पठान को भी। ये सभी फिल्में YRF की स्पाई यूनिवर्स सीरीज के तहत है। ये भी साफ कर देते है कि पठान में सलमान खान का कैमियो है, उनका टाइगर 3 की झलक इसमें देखने को मिलती है। पठान देखने के फैंस को सलमान खान की ओर से दो बड़े सरप्राइज मिले हैं। पहला तो उन्हें शाहरुख खान के साथ कुछ सीन्स में एक्शन करते देखा गया, तो दूसरा ये कि दर्शकों ने सिनेमा हॉल में किसी का भाई किसी की जान का टीजर भी देखा। सलमान खान की ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज हो रही है। जी। चलो जाने दो। काम का नहीं है। अरे मुड़ी हटाओ। अरे गिर जाएगा लोलू। आंटी एक मिनट। उधर चल उधर चल उधर चल उधर चल। रुको ना रुको ना। अरे मच में बैठी है क्या? अरे नहीं है भाई। नहीं कोई। अरे कुत्तू। ए बच्चा बच्चा। अब्राम अब्राम। पीछे में ये दे। ओ सेल्फी ए सेल्फी। मैम मैम एक मैम इधर देखिए ना।
साइड में तो हो जाओ सर प्लीज। जान दो कौन है कौन है? अरे आप हाथ कोई नहीं है। अरे कोई नहीं है तो कहाँ हटा हटा कर रहे हो? अरान 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 कहाँ डाल रहे? सामने डाल दे अरान बेटे। अरे रुक जाओ यार जरा। आया अकेला है। आई लव यू। ए जाने दो। हो गया भाई। क्या कर रहे हो? मिश्रा जी पैक हो गया थी गाड़ी। ए यार मिश्रा जी सर सुनना नहीं ऐसा काम कर रहा। एंड ए आतिश। अरे खरस क्लाइंट है। चलो हो गया यार। चलो बस अच्छी मान ली। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। बराबर है। कहाँ है माल? कोई नहीं है। दिखने पठान कांसाप सामने से हटा दो जाएंगे। मोबाइल हटाना। जान दो बिंदास। वाओ अरे सारू किधर है बाबा? सारू नहीं आया। साइड 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 अगर नहीं देखिए तो देख लो भाई। कल जाऊंगा। सोले भाई जमाल लाइट पड़ा ना बढ़ाया सर भी है सर 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 है एक अरे वो लाइट सब कर।
डियाना जी हट्टा किशन झुक कर ना कौन है किशन भाव इकड़े इकड़े तोरानी जी दिया नहीं आप हाँ जी इधर अरे मला भेटले याला नाही भेटले बाकी सगळं लेट आला थँक्यू धन्यवाद पैसा नाही मिळाला तर मी भी मार पाऊंगा भाई एक मिनिट नीचे तो लो नीचे लोगे तो मारो, नहीं है चले नहीं आ जा आ जा अबे इधर से आए रोल नंबर जाने दो भाई रोल नंबर हो गया हो गया ये
गुदरेस गुदरेस अरे विनोद मार अरे पीछे 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 ओए घूमने दो गाड़ी गाड़ी घूमने दो गाड़ी घूमने दो साइड से ले लो साइड ला साइड ला साइड ला ओए कर है धक्का नहीं धक्का नहीं धक्का नहीं धक्का मत दो बे धक्का नहीं विनोद अरे इकडे हो तारा तू तरी गाड़ी ले ना तू यार अरे आमचा फोटो ये क्या गाड़ी लंबा ए वो हो रहा है जस्ट कोई नहीं साइड ला साइड ला मास्क में मास्क में अच्छा अच्छा शिल्पा मैम जाने दो 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 सर अरे आप कितनी वाला फोटो कर ला रीटेक रीटेक करंट आ रहा है अरे यार ए सुजन 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 जी सुजन जी सुजन जी यहां पे सुजन जी यहां पे यहां पे भाई भी पीछे जाहिद भाई जाहिद भाई 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 इधर 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 भाई जान दो जान दो ये पीछे खाली गाड़ी जान दो इनका इनका ही गाड़ी खाली है खाली है इनका ही इधर है ये आगे गया वो गाड़ी सब में थी मैं पांडे को विद्युत सिलवानी है क्या विद्युत सर विद्युत सर कैसे हो कैसे हैं आप सर पठान देखने जा रहे हैं वही करने सबसे बड़ा एक्शन सुपरस्टार को देखने जा रहे हैं क्या बात है विद्युत सर एक आग लगा दिया मूवी आग लगा दिया अरे मैडम भी है मल्लू मल्लू अपना अंदर मत डालना भाई चलो लेकर जाओ भगाओ 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 भैया अंदर ही है ए हाथोड़ा ए पीपी ए चला 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 ये जाऊ दे केला धक्का लगा मैडम जॉन अब्राहम कोई नहीं है यार पीछे है मगर लोकल कोई नहीं है भाई वन मिनट अरे मुड़िया उठाओ
रोड साइड पर एक एक मिनट अबे नहीं नहीं कोई नहीं है कोई नहीं है जान ले जान ले अरे नहीं है भाई आई नहीं कोई अरे कुत्तू ए बच्चा अरे अच्छा अबरा मत ये साइड ले उधर रुको और रुको ऐसे हाथ लगा तू जूता तो हाथ डाल जान दो जान दो जान दो जान दो भाई भागा भागा जान दो जान दो और भी है साथ में गाड़ी पे कूद पड़ता है इधर चल कौन है चलो उधर चल मम्मी अरे भाई यार तेरा काम है क्या इधर अरे रुक जाओ यार जरा क्लाइंट है भाई हमारी अरे सच्ची में ए आतिश अरे खरच क्लाइंट है हो गया आ जाओ हो गया हो गया हो गया विनोद मार अरे थैंक यू बराबर है कहाँ है माल अरे कोई नहीं है यार कोई नहीं है दिखने रहे क्या औरत बैठा है बताओ पिकअप ड्रॉप है सुहाना अरे अरे छोड़ 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 कृष्ण छोड़ मिला क्या अच्छा उठा उसको नींद में से भाई भोसड़ी वाली पठान पठान खान साहब अरे रुको ये मोबाइल पीछे ले मोबाइल पीछे कर लाइट में लेना जाने तो जान दो कोई नहीं राइट में अरे मोबाइल हटा मोबाइल हटाना एक गाली चली फाट तेरे पे अर्जुन भाई जाने तो जान दो जान दो जान दो भाई अरे जाने दे बेचारे कट सामने जा हवा जा
अर्जुन भाई, अर्जुन भाई शाहरुख खान पर भारी पड़ा जॉन अब्राहम का एक्शन। सलमान खान का कैमियो फिल्म का बेस्ट पार्ट। आज शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान रिलीज हुई है। फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। एडवांस बुकिंग के मामले में भी पठान ने केजीएफ 2 के 5 लाख टिकट बुकिंग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वही दूसरी तरफ फिल्म का विरोध भी जारी है। दैनिक भास्कर की मूवी रिव्यू में पढ़िए पठान कैसी है, कहानी से लेकर स्टार्स की एक्टिंग तक क्या क्या खूबियां या खामियां है। फिल्म की कहानी है एक एक्स भारतीय एजेंट जिम की, जिसके परिवार को उसी के सामने इसलिए मार दिया गया क्योंकि भारत ने उन्हें छुड़ाने के लिए मुआवजा नहीं दिया। जिम को मरा हुआ समझकर भारत सरकार ने उसे वीर पुरस्कार दिया, लेकिन जिम बच गया। कुछ समय बाद जिम ने भारत से अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया और एक बायोलॉजिकल हथियार बनाया। जिम को रोकने के लिए भारत की तरफ से पठान और उसकी टीम तैयार की गई। मिशन के दौरान पठान की मुलाकात डॉक्टर रूबीना खान से होती है, जो पठान का मिशन और मुश्किल कर देती है। अब पठान कैसे ताकतवर जिम को रोकेगा या रोक पाएगा भी या नहीं, यही फिल्म की कहानी है। शाहरुख खान पठान के रोल में अच्छे लगे हैं। एक्टिंग में उनका कोई तोड़ नहीं है। एक्शन सीन्स में भी शाहरुख खान ने इम्प्रेस किया है। दीपिका पादुकोण उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है, लेकिन उनके खाते में अच्छे डायलॉग्स नहीं आए हैं। वैसे तो उन्हें पाकिस्तानी डॉक्टर से आईएएस एजेंट बनने का किरदार दिया गया है, लेकिन जिस बोल्डनेस से वो नजर आई है उसमें पाकिस्तानी टच नहीं मिलता है। उनके पाकिस्तानी एक्सेंट पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। डिंपल कपाड़िया और आशुतोष राणा ने सीनियर ऑफिसर के रोल में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। यहाँ सबसे अच्छा रोल जॉन अब्राहम का है। इंटेंस लुक और दमदार डायलॉग के साथ बना जॉन का किरदार जब भी आया है शाहरुख खान पर भारी पड़ा है। इनका एक्शन शाहरुख खान को फेल करता है। फिल्म में जॉन की डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। डायरेक्शन की बात करें तो सिद्धार्थ आनंद का काम आउटस्टैंडिंग है। उन्होंने सभी सीन्स को बखूबी पेश किया है। स्क्रीन प्ले के लिहाज से फिल्म बेहतरीन बनी है, जिसमें नुक्स निकाल पाना मुश्किल है। पठान का बैकग्राउंड म्यूजिक काफी फ्रेश है। किसी भी म्यूजिक को ओवरयूज नहीं किया गया है, जो इसका प्लस पॉइंट है। पठान के एंथम को भी कहीं कहीं इस्तेमाल किया गया है। हर सीन का नया म्यूजिक उसे फ्रेश बनाता है। एक्शन सीन में हाई लेवल VFX आपको सीट से हिलने नहीं देगा। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सीन नकली है, जो इसका प्लस पॉइंट है। एक्शन सीन काफी स्मूथ है। फिल्म की कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन इसमें राइटर हर किरदार की पिछली स्टोरी नहीं दिखा सके है। दीपिका के बचपन को चंद सेकंड में समेट दिया गया है। इसके बाद आपको खुद ही उनकी कहानी समझनी होगी। पठान किरदार को थोड़ा डिटेल के साथ बनाया गया है, लेकिन उसमें भी राइटर गहराई तक नहीं गए हैं, क्योंकि शाहरुख खान की एंट्री ही पीटते हुए होती है, तो दर्शक को तालियां बजाने का मौका नहीं मिलता। जॉन के एंट्री सीन में की गई मेहनत साफ दिखती है। सलमान खान यहाँ चंद मिनट के कैमियो में नजर आए है, जो धीमी पड़ी फिल्म की रफ्तार को फिर तेज करते है। सलमान खान यहाँ टाइगर बनकर दोस्त पठान की मदद करते है और गुदगुदाते भी है। एक और बात जो यहाँ खलती है वो है कि कहानी मिशन से शुरू होकर मिशन पर खत्म कर दी गई है। रोमांस की एक कमी है जो आपको महसूस होगी। पूरी फिल्म में सिर्फ एक गाना है, वो है बेशरम रंग। इसके अलावा दूसरा गाना आपको फिल्म खत्म होने के बाद देखने को मिलेगा। विलन बने जॉन को कुछ ज्यादा ही ताकतवर बताया गया है, लेकिन आखिर में उसे यूं ही आसानी से गिरा दिया गया है। विलन का बार बार अपने प्लान और उसे रोकने का तरीका खुद बताना भी आपको अटपटा लग सकता है। बेशरम रंग आने पर दीपिका पादुकोण द्वारा पहनी गई भगवा बिकनी पर खूब विवाद हुए थे। लोगों ने बॉयकॉट पठान ट्रेड करवाया और फिल्म रिलीज रोकने की मांग की। विवाद बढ़ने के बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कुछ बदलाव करने का सुझाव दिया था। इसके बाद मेकर्स ने फिल्म से भगवा बिकनी को तो नहीं हटाई, लेकिन भगवा बिकनी पहनी दीपिका और शाहरुख का एक बोल्ड सीन हटाया गया है। आप शाहरुख खान और दीपिका के डाई हार्ट फैन हैं, तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। शाहरुख दीपिका की पठान ने सबको चटाई धूल। दूसरे दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जानकर रह जाएंगे हैरान। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की फिल्म पठान को एक और जहां इंडिया में काफी तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है, तो फिल्म वर्ल्ड वाइड भी धमाका कर रही है। फिल्म ने पहले ही दिन 106 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। वही फिल्म का दो दिन का कलेक्शन 250 करोड़ के करीब पहुंच गया है। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने ट्वीट कर पठान को दो दिन की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की जानकारी दी है। रमेश के मुताबिक पठान ने दो दिनों में 235 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। बता दें कि ये काफी बड़ा आंकड़ा है, यानी फिल्म ने दूसरे दिन करीब 130 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है।
अगर पठान ऐसे ही कमाई करती रही तो उम्मीद की जा रही है कि फिल्म वीकेंड में ही 500 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी और जल्द ही इंडियन सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी बन सकती है। एक और जहां पठान का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 235 करोड़ रुपए हो गया है तो दूसरी ओर पठान ने दूसरे दिन पहले से भी अधिक की कमाई की है। पठान ने पहले दिन 57 करोड़ की बम्पर कमाई की थी। फिल्म के हिंदी वर्जन ने 55 करोड़ रुपए जबकि अन्य वर्जन ने 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वही दूसरे दिन सैकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के सभी वर्जन ने मिलाकर नेट कलेक्शन 70 करोड़ रुपए के आसपास किया है, यानी फिल्म का कुल कलेक्शन करीब 130 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि ये अर्ली ट्रेंड है और कमाई थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। शाहरुख खान ने पठान से साबित कर दिया है कि वो किंग खान क्यों कहलाते हैं। शाहरुख के सेक्शन अवतार को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। पठान के बाद शाहरुख खान फिल्म डंकी और जवान में भी नजर आएंगे। राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी में शाहरुख खान की जोड़ी तापसी पन्नू के साथ बनी। फिल्म 22 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इन दोनों फिल्मों के अलावा शाहरुख निर्देशक एटली के साथ भी फिल्म जवान में नजर आएंगे। शाहरुख खान की जवान 2 जून 2023 को हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा में रिलीज। कुर्सी की पेटी बांधो या ना बांधो, सीट से उठने नहीं देता पठान का टशन और एक्शन। शाहरुख खान 4 साल के लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बादशाह के फैंस के लिए ये सेलिब्रेशन का वक्त है। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों से ड्राई चल रहे बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस की नजर भी पठान पर टिकी है। क्या अपने फैंस और बॉक्स ऑफिस की उम्मीदों पर पठान खरा उतरता है? फिल्म में दिखाया गया है कि कश्मीर से धारा 370 के हटने के बाद पड़ोसी मुल्क में भूचाल आ जाता है। ऐसे में पाकिस्तान एक हाईटेक प्राइवेट आतंकवादी गिरोह आउटफिट एक्स का सहारा लेता है। इस गिरोह का लीडर जिम एक समय में इंडियन इंटेलिजेंस फोर्स का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसके साथ हुए हादसे ने उसे देश से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। जिम का मकसद एक वायरस के जरिए इंडिया में तबाही मचाना है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को जिम के इस इरादे की भनक लगती है और उसके अगेंस्ट वो अपने सबसे काबिल एजेंट पठान को खड़ा करते है। इस मिशन के दौरान पठान की मुलाकात रूबीना मोहसिन से होती है। रूबीना कौन है, वो क्या वायरस है जिसे देश तबाह हो सकता है, जिम की बैकड्रॉप स्टोरी क्या है और सबसे अहम सवाल, क्या पठान अपने इस मकसद में कामयाब हो पाता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए थिएटर का रुख करना होगा। वार जैसी फिल्मों में अपने एक्शन थ्रिलर का जलवा बिखर चुके डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद पठान लेकर आए हैं। सिद्धार्थ की इस फिल्म में आपको जिस मसाला फिल्म की उम्मीद है वो भरपूर मात्रा में है। पावर पैक्ड एक्शन, एक्साइटेड लोकेशन, रोमांस, कॉमेडी, डायलॉगबाजी, देशभक्ति इमोशन से लबरेज फिल्म फैंस के लिए पूरी तरह पैसा वसूल साबित है। बात जब सुपरस्टार और मसाला फिल्म के कॉम्बिनेशन की हो तो कहानी का सीक्वेंस में लॉजिक ढूंढना सही नहीं होता है। कहानी के मामले में बेशक फिल्म का पक्ष कमजोर है, लेकिन जिस तरह के एक्शन और डायलॉग्स लिखे गए हैं वो इन कमी पर पूरी तरह पर्दा डालते हैं। फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन जिस हुक पॉइंट पर इंटरवल रखा गया है कि आप फौरन इसके दोबारा शुरू होने का इंतजार करने लगते हैं, कहानी के सेकेंड हाफ में आप पठान की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि कई बार सिटी बजाने, क्लैपिंग करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं। यकीन माने 2 घंटे 26 मिनट पर बनी इस फिल्म में आपको वो हर इमोशन मिलता है जो एक फैन देखना चाहता है। पूरी फिल्म देखने पर यह एहसास होता है कि मेकर्स ने आपको ठगा नहीं है, बल्कि उन लॉयल फैंस को एक तोहफा दिया है जिसकी उन्हें अदद दरकार थी। फिल्म एक्शन और VFX पर बेमिसाल काम किया गया है। कुछ एक्शन सीक्वेंस आपको डाइजेस्ट नहीं होंगे, लेकिन स्क्रीन पर वो इतने भव्य दिखते हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। फिल्म का मजबूत पक्ष उसका VFX, सिनेमाटोग्राफी, एक्शन सीक्वेंस और म्यूजिक है। दुबई, पेरिस, अफगानिस्तान हो या अफ्रीका, सचिव पाउलेसिस की सिनेमाटोग्राफी से हर फ्रेम पर शहर और लोकेशन की भव्यता खूबसूरत दिखी है। स्क्रीन पर पठान एक लार्जर देन लाइफ वाली फील देती है। फिल्म के गानों ने तो रिलीज से पहले ही बवाल मचाया था। बेशरम रंग और झूमे जो पठान गानों की फीलिंग सीन्स के दौरान सटीक बैठती है। सचित और अंकित बलहारा की म्यूजिक ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म के दौरान थ्रिल और एक्साइटमेंट को बढ़ाने में फ्यूल का काम करता है। पठान के एक्शन के परफेक्शन के लिए विदेशी और कई देशी एक्शन ट्रेनर का समायोजन दिखा है। उनका काम 100% से भी बेहतर है। फिल्म के न केवल लोकेशन भव्य है बल्कि इसके सभी कास्ट भी स्टाइलिश नजर आते हैं। शाहरुख, दीपिका ने तो अपने पहले लुक में ही महफिल लूट ली थी, लेकिन जिस तरह से सभी कास्ट को कॉस्ट्यूम और स्टाइलिंग और डेडलिंग काम किया गया है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। ममता आनंद, निहारिका जौली और शलीना नथानी का स्टाइलिंग कमाल का है। शाहरुख की लुक और बॉडी पर जो काम हुआ है उनके ट्रेनर प्रशांत सावंत की मेहनत भी साफ दिखती है। 4 साल बाद सुपरस्टार शाहरुख खान को स्क्रीन पर देखने को फैंस तरस गए थे।
फैंस की उम्मीदों पर शाहरुख पूरी तरह खरे उतरते हैं। इमोशंस में माहिर शाहरुख को एक्शन करता देखना उनके फैंस के लिए सरप्राइज एलिमेंट है। एक परफेक्ट हीरो की परिभाषा को शाहरुख ने पूरा किया है। इसमें उनका इतना हैंडसम दिखना सोने पर सुहागा वाली बात है। वही दीपिका पादुकोण सरप्राइज करती है। ग्लैमरस के साथ साथ पावर पैक एक्शन करती दिखी दीपिका को अब एक्शन फिल्मों को एक्सप्लोर करना चाहिए। जॉन अब्राहम हमेशा से स्टाइलिश एक्टर कहे जाते हैं। विलन के रूप में वो जचे हैं और पूरी फिल्म के दौरान अपने इसी एंग्स इमोशन को बरकरार रखा है। डिम्पल कपाड़िया और आशुतोष राणा ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। उनकी मौजूदगी फिल्म को बखूबी बैलेंस करती है। दमदार एक्शन के साथ पठान की धमाकेदार वापसी, छाया टाइगर सलमान खान का कैमियो। फिल्म जीरो की रिलीज के करीब 4 साल बाद शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म पठान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। एक था टाइगर और वार जैसी जासूस थ्रिलर फिल्म में बना चुके यशराज फिल्म्स ने अपनी इस जासूसी फिल्मों का यूनिवर्स बनाने की बात कही है। इसका शुभारंभ पठान से हो चुका है। पठान में टाइगर यानी सलमान खान आते है। कहानी यू की 2019 में कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया जा चुका है। इससे पाकिस्तान बौखला गया है। सेना का जनरल भारत को घुटनों पर लाने के लिए जिम की सेवाएं लेता है। जिम का मकसद पैसा या पावर हासिल करना नहीं बल्कि निजी है। कभी वह भी जबाज भारतीय जासूस था पर अब बागी हो चुका है। उसके नापाक मंसूबों को अगर कोई रोक सकता है तो वह है भारतीय एजेंट पठान। जिम तक पहुँचने में पठान की मुलाकात ISI एजेंट डॉ रुबीना मायोसिन से होती है। चूंकि जासूसी थ्रिलर फिल्मों की कहानी का आधार कोई ना कोई मिशन होता है, यहाँ पर भी मकसद रक्त बीज को हासिल करना है। यह एक जैविक हथियार है। जिम इसे भारत में फैलाना चाहता है। उसके नापाक मंसूबों को पठान कैसे असफल करेगा, इसके लिए कई ट्विस्ट और टर्न के साथ कहानी गढ़ी गई है। बैग मैगवार जैसी एक्शन फिल्में बनाने वाले सिद्धार्थ आनंद ने निर्देशन के साथ पठान की कहानी भी लिखी है। यहाँ पर भी उन्होंने एक्शन पर पकड़ बनाई रखी है। हेलीकॉप्टर, बंदूक, तोप, हैंड टू हैंड फाइट, बर पर बाइक के चेंजिंग के दृश्य के जरिए रोमांच एक्शन को गढ़ा गया है। फिल्म को मसालेदार बनाने के लिए उन्होंने एक्शन के साथ रोमांस, नाच गाना सब डाला है। फिल्म की कमजोर कड़ी कहानी है। शुरुआत भारतीय वैज्ञानिक का जिम सरेआम दूसरे देश में अपहरण कर लेता है। उसकी रिहाई की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। श्रीधर राघव के स्क्रीन प्ले में जब जैविक हमले का जिक्र आता है तो यह हमले कितने खतरनाक हो सकते हैं उसके बारे में बताया गया है, लेकिन वह बहुत प्रभावशाली तरीके से दर्शा नहीं पाए है। वहां तक पहुंचने में भी लेखक ने काफी समय लिया है। फिल्म में पूरा फोकस पठान पर रहा है, इस वजह से बाकी किरदारों को समुचित तरीके से पनपनाने का मौका नहीं मिला। बहरहाल यहाँ पर भी खलनायक और पठान के बीच अपना दम दमक दिखाने को लेकर आमने सामने सीन गढ़े गए हैं। हालांकि इन्हें बेहतर और रोचक बनाने की भरपूर संभावना थी। फिल्म का खास आकर्षण एक था टाइगर के, टाइगर यानी सलमान खान रहे। उन्हें कई पंचिंग लाइनें मिली है। फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स भी काफी है। फिल्म कई देशों में विचरण करती है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप कहाँ है। वैसे ही इतने देशों में नहीं भी ले जाते तो कहानी को सहजता से कहा जा सकता था। पर हाँ, संचित पालोस को सिनेमाटोग्राफी बहुत खूबसूरत है। कई लोकेशन नैना भारी में है। अब्बास टायरवाला की संवाद कई कई चुटकुले है। शाहरुख खान ने पहली बार विरुद्ध एक्शन फिल्म में काम किया है। यहाँ पर बॉडी बनाने के साथ उन्होंने अपने बाल भी बढ़ाए है। उन्हें भरपूर एक्शन करने का मौका मिला है। एक्शन करते वो अच्छे लगते हैं। पठान के पास कहने को टीम है, लेकिन उसकी उपयोगिता कहानी में कई खास दिखती नहीं है। फिल्म में आधुनिक तकनीक के जरिए इंसान या वस्तु की प्रकृति दिखाने की कोशिश हुई है, पर उस तकनीक का उपयोग सिर्फ एक जगह हुआ है, जबकि उसका प्रयोग कहीं और भी किया जा सकता था। दीपिका पादुकोण फिल्म में काफी ग्लैमरस दिखी है। बेशरम रंग गाने में केसरिया रंग की पोशाक को लेकर विवाद के बाद सेंसर की कैंची चली है। शाहरुख के साथ इससे पहले फिल्म ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू ईयर में काम कर चुकी दीपिका को भी यहाँ पर काफी एक्शन करने का मौका मिला है। एक दृश्य में रुबीना कैमरे में आती है जिससे पता चले कि वो कहाँ है, पर पठान को उसने जहाँ फंसाया होता है उसके बाद उसे मरा हुआ समझा जा रहा था। ऐसे में पठान की वापसी को लेकर वह कैसे आश्वस्त थी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। रुबीना के दर्दनाक अतीत को अगर कहानी से ना भी जोड़ते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सहयोगी भूमिका में आए डिम्पल कपाड़िया और आशुतोष राणा अपनी भूमिका साथ न्याय करते हैं। यह लार्जर देन लाइफ फिल्म है तो इसमें दिमाग लगाने की कोशिश ना करें। फिल्म के आखिर में एक और जासूस को जोड़ने का संकेत है। बहरहाल टाइगर 3 में आने का वादा टाइगर ने पठान से ले लिया है, यानी शाहरुख खान और सलमान खान फिर साथ दिखेंगे। इस बार टाइगर की मदद के लिए पठान आएगा। शाहरुख को बचाने टाइगर की धुआंधार एंट्री। पठान में सलमान खान को देख क्रेजी हुए फैंस। शाहरुख खान, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण की पठान रिपब्लिक डे के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है।
चारों तरफ पठान की धूम और शोरगुल देखने को मिल रहा है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद फैंस की प्रतिक्रिया भी सोशल मीडिया पर आने लगी है। पठान देखने गए दर्शकों का मजा दो गुना तब हुआ जब उन्होंने शाहरुख खान के साथ टाइगर को देखा। जी हाँ, पठान के साथ टाइगर यानी सलमान खान की झलक भी देखने को मिली, जिसे देख फैंस सुपर एक्साइटेड हो गए। शाहरुख खान की पठान देखने गए फैंस को जब सिनेमा हॉल में सलमान खान की टाइगर की झलक देखने को मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बता दें, सलमान खान की टाइगर 3 दिवाली के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इसे भी यशराज फिल्म्स की प्रेजेंट कर रहा है और पठान को भी। ये सभी फिल्में YRF की स्पाई यूनिवर्स सीरीज के तहत है। ये भी साफ कर देते हैं कि पठान में सलमान खान का कैमियो है, उनका टाइगर 3 की झलक इसमें देखने को मिलती है। पठान देखने के फैंस को सलमान खान की ओर से दो बड़े सरप्राइज मिले हैं। पहला तो उन्हें शाहरुख खान के साथ कुछ सीन्स में एक्शन करते देखा गया, तो दूसरा ये कि दर्शकों ने सिनेमा हॉल में किसी का भाई किसी की जान का टीजर भी देखा। सलमान खान की ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज हो रही है।